ये आपकी अपनी क्लास यानी कि हरिहर सर की क्लास। आ जाइए फटाफट से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फटाफट सभी लोग आ जाएंगे क्लास में, फिर क्लास को एक नई ऊर्जा नई सोच के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग सभी लोग। ठीक है, आइए फटाफट से सभी लोग आ जाओ, फटाक से आ जाओ सभी लोग क्लास में फटाक से। कौन कौन क्लास में सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग लाइक करेंगे वीडियो को, पहले सबसे पहले तो काम आपका रहेगा कमेंट लाइक शेयर। ठीक है, इतना काम आपको करना है सबको। ठीक है, सबको ये काम कर देना है पहले, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, गोलू बाबू, अरविंद एंड बहुत से लोग आ चुके हैं, वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम है, क्लास में सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है, परंपरागत सामान्य ज्ञान यानी ट्रेडिशनल कॉमन सेंस। इसमें सारे कवर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन जितने अभी तक आपके हो चुके हैं उनको भी कवर करेंगे और जितने बकाया हैं उनको कवर करेंगे। नहीं, एक घंटे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, काउंटिंग करके नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग लास्ट में काउंटिंग करिएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग सभी काउंटिंग करके बताएंगे कि कितने कवर हो चुके हैं आपके क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बस ये आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। और मेरे साथ बने रहिए सभी लोग, लाइक कर दो पहले वीडियो को, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग पहले लाइक कर देंगे, सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्लास को स्टार्ट। ठीक है, लाइक कर दो सभी लोग, पहले लाइक कर दो सभी लोग, सभी लोग सभी लोग लाइक करिएगा प्लीज, पहले सब लोग लाइक करेंगे, पहले कर दो, सबने लाइक कर दिया यस यस करके, और सब लोग बोल दो क्लास को स्टार्ट करो, क्लास को स्टार्ट करो, सब लोग बोल दो यस यस करके, बोल दो जल्दी फटाफट, सब लोग बोल देना सबको कि स्टार्ट करिए क्लास को, फिर स्टार्ट करते नई सोच नए जोश के साथ यानी नई ऊर्जा के साथ ना, क्लास को स्टार्ट, सब लोग यस यस करके बोल दो ना, बोल दो मैं समझूँ कौन कौन क्लास में, ये भी समझ में आएगा कि यहाँ कौन कौन क्लास में है। ठीक है, ये भी तो समझ में आना चाहिए कि क्लास में कौन कौन है भाई ना, ये भी चीज़ तो समझ में आनी चाहिए। चलो हम सबसे पहले बात करेंगे, नहीं आपका टॉपिक है वो टॉपिक ये है। ठीक है, टॉपिक आपका कौन है, टॉपिक आपके सामने है, बाकी का हम देख लेते हैं, आवाज़ वगैरह वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज़ हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपने हैंड से। ठीक है, इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ जी, चलो भाई, गुड, वेरी गुड। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपके सामने हम बता दें एक चीज़ आपको बता दें, हाँ अब सब सबने यस कर दिया है, वेरी गुड, सबने यस कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, सबने यस कर दिया, राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे, नमस्कार नमस्कार एंड सबको नमस्कार है और सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। हम पहले बता दें आपको यानी कि इंट्रो करा दें, यानी कि अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ मैं, हरिहर प्रताप। ठीक है, और रही बात आपको कोड बता दूंगा, कोड मेरा है हरिहर, यानी मेरा हरिहर सर, आप कोड यूज़ कर सकते हो। वैसे आप यूट्यूब से अगर हो तो आप लोग यहाँ पे हरिहर वाइट हरिहर YT10, ठीक है, सर की जगह YT10 लगाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, सर की जगह आप लोगों को क्या लगाना है, YT10 लगाना है आपको कोड में, तो आपसे क्या होगा, इससे हरिहर सर भी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, YT10 का यूज़ करोगे। ठीक है, हरिहर YT10, ठीक है, हरिहर YT10 का यूज़ करोगे। ठीक है, हरिहर YT10 यूज़ करने के बाद आपको 10% ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी हरिहर YT10। ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, YT10 करना है। ठीक है, क्लियर। अब रही बात नेक्स्ट, हम आपको बता दें क्या फ़ायदा आपको अनअकैडमी लेने से, आपको क्या क्या फ़ायदा है वो आपको दिख रहा होगा, यानी कि सब कुछ मिलने वाला है, उसमें टॉप टॉप एजुकेटर आपको मिलने वाले हैं, सब कुछ, यानी इंग्लिश वो इंग्लिश सॉरी मैथ रीजनिंग GS GK एंड सब सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा आपके, और रेलवे से रिलेटेड जो भी आपकी तैयारी है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी का आपको बता दें वाईफाई स्टडी भी मिलने वाली है आपको यहाँ पे, वाईफाई स्टडी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, सबसे प्लस पॉइंट आपका है कि वाईफाई स्टडी मिलने वाली है। ठीक है, तो उनसे भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यानी रीजनिंग RRB बैचेस, यानी सब कुछ मिलने वाला है, सोचने की बात नहीं है, बैच भी कई चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई एजुकेटर भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। और रही बात सब्सक्रिप्शन करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करोगे, जब आप लोग इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर भरना है, नंबर भरने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको दिखेगा यानी कि इंटर रेफरल कोड। ठीक है, इंटर रेफरल कोड कर देना है आप लोगों को, इंटर रेफरल कोड में क्या भरोगे, हरिहर YT10। ठीक है, हरिहर YT10 ये भर देना है आप लोगों को, उसके बाद अप्लाई जरूर करना, अप्लाई नहीं किया तो आपका मिस हो जाएगा,
यानी कि 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा अप्लाई करने के बाद आप लोग तुरंत ही ज्वाइन हो जाओगे अनअकैडमी प्लस से, और उसके बाद आप लोग फ्री क्लास भी ले सकोगे, सब कुछ ले सकोगे, ठीक है। बाकी का टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा आप लोगों को अनअकैडमी की तरफ से। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा 51, इसको नंबरिंग ना याद रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे कवर। यानी 51 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, तो पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए बताते चले सभी लोग, बताते चलिए सभी लोग, आंसर आंसर बताते चलिए सभी लोग, करिए। एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है, तो इसका नाम बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी यूनिटी, या फिर स्टैचू ऑफ लॉ, या फिर क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से सबको कर देना क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिएगा, सभी लोगों ने करना है, जल्दी से करिए फटाफट, सब लोग को करना है, करिएगा जल्दी से फटाफट, आंसर कर देना सबको क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी फर्स्ट। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, इसका राइट आंसर है बी, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अभी क्वेश्चन पिछले डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, यानी एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता देना, पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन, लंदन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके फटाफट से बता देना क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर तो मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, यानी ऑप्शन ए होगा पेरिस। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है, तो एफिल टावर आपका पेरिस में स्थित है, ठीक है। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके विश्व से जीजस, यानी विश्व में जीजस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो ब्राजील, मैक्सिको, या फिर इटली, या फिर है पेट, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता देना सबको क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके सामने दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर करते चलेंगे भाई, सब लोग आंसर करते चलेंगे, यहाँ पे किसी को भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, किसी को भी मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, चलो। हाँ, वेरी गुड, सनी गौतम, हाँ जी, न्यूयॉर्क, बिल्कुल, सब लोग आंसर करते चलेंगे, ठीक है, सी आंसर इसका होगा राइट आंसर, यानी इटली। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो इटली में है, याद रखना है। ये बताइए, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है, किसने नई दिल्ली को डिजाइन किया, तो फटाक से बताना है, ली क्यू यानी क्यूजुबर, या फिर सर एडविन लुटियंस, या फिर होगा एंडू पॉल, या फिर जॉर्ज बेकर, तो इसका राइट आंसर आपका होगा यानी कि ऑप्शन बी, यानी सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये रहा आपका, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में यानी डेसिन गनाडू कहा जाता है, तो बताइए, कोल्लम होगा, मैसूर होगा, मदुरई होगा, चित्तौड़ होगा, फटाफट आंसर कर देना अगर क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कोल्लम, कोल्लम होगा इसका राइट आंसर। और बात करेंगे शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है, तो आपको राइट आंसर क्या होगा इसका, फटाक से कर देना सबको, सबको निशी पांडे वेलकम, एंड आंसर कर रही है निशी पांडे, और सनी, संदीप, और कौन कौन आंसर कर रहा है, पवन जी कर रहे हैं, वेरी गुड, संदीप कुमार, सनी, और अनिरुद्ध, अनुराधा, 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 अनुराधा भी है, वेलकम, एंड सभी लोग आंसर करते चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बी आंसर होने वाला है, यानी कनाडा, कनाडा इज द राइट आंसर। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है, तो इसका राइट आंसर यानी बी ऑप्शन कनाडा, ठीक है, कनाडा है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्लस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कई फैक्टों को डिस्कस किया है, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, सबको पता होगा जो प्लस के स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है, और जो नहीं अभी तक लिए हैं हालांकि प्लस, तो वो ले लें, ठीक है, ले लें, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी का आप लोगों को पता चल जाएगा, क्लास करिए, बाकी का सब अच्छा होने वाला है आपके साथ। और 58 नंबर है, तो किस रहा में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, बताइए किस रहा में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, तो चंडीगढ़, ग्वालियर, मोहाली, या फिर रोहतक, यहाँ पे आंसर करिएगा क्या होगा, ए बी सी डी, ऑप्शन चार है आपके पास, यहाँ पे आंसर एक है, तो आंसर कौन सा होगा, यानी बी ऑप्शन होगा ग्वालियर, ग्वालियर इज द राइट आंसर, यानी कि किस रहा में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यानी ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 59, यानी कि ड्रैगन क्या है, ड्रैगन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ड्रैगन, व्हाट इज ड्रैगन, फटाक से बताना है, अब तक का विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, या फिर एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्यों की आपूर्ति करता है, या फिर एक अंतरिक्ष यान जो ऑर्बिट में सबसे पहले, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा होगा बी आंसर है इसका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को
कार्यों की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, जैसे कि व्हाइट हाउस और भी काफी बोले जाते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो भारत का राष्ट्रपति होता है तो उसका बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के घर को क्या बोलते हैं, यानी हाउस को क्या बोलते हैं, ठीक है, बताना सबको, भारत के राष्ट्रपति के निवास को क्या बोलते हैं ये बताएंगे, हम बता चुके हैं प्लस की क्लास में ऑलरेडी, आप लोग भी बताएंगे, ठीक है सब लोग। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन सी श्रीलंका, श्रीलंका इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है श्रीलंका होगा इसका सही आंसर। और रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया, तो ब्लामिदीन द ग्रेट होगा, या फिर माइकल रोमानी, या फिर होगा इवान चतुर्थ, या फिर बोरिस गोडुनोव, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे आंसर करना क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपके सामने यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्लामिदीन यानी ब्लामिदी मीर द ग्रेट, ठीक है ठीक है। हाँ स्लो करें राहुल पाल, अच्छा नोट कर रहे हो, वेरी गुड राहुल पाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल स्लो करेंगे, बिल्कुल स्लो करेंगे। संसद भवन नहीं बोलते हैं अनिरुद्ध, संसद भवन नहीं बोलते हैं, संसद भवन नहीं बोलते हैं राष्ट्रपति के निवास को, मिस्टेक कर रहे हो आप, नहीं बोलते संसद भवन नहीं बोलते, बिल्कुल मिस्टेक है। और भी लोग बताइए क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के निवास को, फटाक से सबको बता देना राष्ट्रपति के निवास को क्या बोलते हैं, बताइएगा सभी लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, या फिर लंदन। फटाक से आंसर करना है क्या होगा, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, लंदन। ऑप्शन चार है क्वेश्चन, आंसर जो है वो आपका एक होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो कर देना सबको ठीक है कमेंट में, ठीक है। नहीं टेन डाउन भी नहीं होगा, टेन डाउन भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पवन रजा की नहीं होगा, सबको बताना है, दिमाग चकराना है अपना अपना ना। राष्ट्रपति भवन नहीं बोलते उसको, राष्ट्रपति भवन नहीं बोलते, बताइए फटाफट। व्हाइट हाउस अमेरिका में बोलते हैं राहुल पाल, व्हाइट हाउस है जो वो अमेरिका में बोलते हैं, बताइए फटाफट क्या होता है इसका राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस किया हुआ है, समझो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग मिस किए हुए हो अभी तक, कहाँ रहे हो भाई कहाँ रहे हो, कोई बताएगा बता दे, जो जिसको आता है वो बताएगा, ठीक है। इसका आंसर देख लो यानी कि बी होगा, यानी स्टॉक होम, ये एक सीक्रेट होने वाला है, आपको बताएंगे ठीक है, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, सब्र बनाए रखिए ठीक है, बताएंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है बी, यानी कि ये स्टॉक होम, स्टॉक होम इज द राइट आंसर। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ इस पर स्थित है, तो होगा इसका राइट आंसर यानी स्टॉक होम इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ वेरी गुड पवन रजाक, रायसेन हिल, रायसेन हिल, वेरी गुड पवन ने, रजाक जी ने दिया है आंसर सही, लेकिन बड़े देर बाद दिया है, क्यों पवन जी बड़े देर बाद आंसर दे रहे हो। रायसेन हिल बोलते हैं यानी कि राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति जो जिस निवास है, जो राष्ट्रपति का निवास, तो उसको बोलते हैं रायसेन हिल, ठीक है रायसेना हिल बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ वेरी गुड संदीप, रायसेना हिल बोलते हैं उसको, ठीक है याद रहा है आपको, नेक्स्ट आपको एग्जाम में आएगा तो आप लोग फटाक से बता दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका आंसर देखिएगा, यानी कि जोसेफ फ्राई एवं सन्स पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जोसेफ, जोसेफ फ्राई एवं सन्स, ठीक है। बेस बेस जोसेफ मत सोच लेना, ठीक है जोसेफ फ्राई एवं सन्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, बताइए प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो यहाँ पे आंसर करना है सबको क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट में, कमेंट बड़े स्लो है, सिलसिला बड़ा स्लो चल रहा है आपका, कमेंट करने का जो सिलसिला है वो बड़ा स्लो चल रहा है। आयुषी अग्रवाल आंसर कर रही है हालांकि, यानी ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, चलो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन होगा इसका राइट आंसर, एक ओनली वन पर्सन का आंसर आया यानी आयुषी अग्रवाल का, ठीक है। चलो ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, भाई ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा। मोबाइल सब यूज करते हैं, स्मार्टफोन आ गए अब तो भैया, मार्टिन कपूर, या फिर जॉन लायन, या फिर एडविन लैंड, या फिर होगा जोसेफ विल्सन, फटाक से आंसर करिएगा, करिए सभी लोग करिएगा, करो भाई करो 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 करो। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका यानी कि ऑप्शन सी, मार्टिन कपूर, ठीक है मार्टिन कपूर इसका राइट आंसर। और जो आपके इससे रिलेटेड फैक्ट थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग फटाक से प्लस का कोर्स ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, यानी कि आपको आपका साथ बिल्कुल देंगे हम, ठीक है बिल्कुल साथ देने वाले हैं, आपका साथ सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ सबका विकास। चलो बात करेंगे ऐड के आविष्कार,
एड के आविष्कार आविष्कार किसने किया, एड का आविष्कार जो है बैंड एड, हाँ बैंड एड यहाँ पे रखना है ठीक है। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था, एल यानी एल विल्सन, एल एन ग्रांट, या फिर लुई पास्चर, या फिर फ्रैंक एम्परसन, बताइए एम्परसन होगा या फिर क्या होगा, ए बी सी डी फटाक से बताइए ना, जल्दी बताइए। चलो इसका आंसर हम बता देते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी एल विल्सन, एल विल्सन इज द राइट आंसर आपका होगा ठीक है, एरन विल्सन इज द राइट आंसर होगा आपका ठीक है, क्लियर। अब रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन 67, पेंडुलम घड़ी घड़ी का आविष्कार किसने किया है, किसने किया था, तो बताइए गैलीलियो गैलीली, थॉमस एल्वा एडिसन, या फिर फ्रेडरिक जोन्स, या फिर डेविडसन डेविडसन डेविडसन। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है गैलीलियो गैलीली, तो यहाँ पे यही आंसर होगा, हालांकि सही। इसके बारे में अगर घड़ी की बात करें तो दो लोग थे घड़ी के लिए, आप लोग बताएंगे कमेंट में दूसरा कौन है जिसने खोज की थी, यानी गैलीलियो गैलीली ने घड़ी का पेंडुलम घड़ी बनाई थी, हालांकि इनके पेंडुलम घड़ी बनाने के आविष्कार के बाद इनका जो रिजेक्शन हो गया था इनका, इन्होंने क्या किया कि अपने घड़ी को प्रस्ताव यानी प्रस्ताव के लिए भेजा कि हमारी घड़ी पास की जाएगी कि नहीं की जाएगी, देसी भाषा बता रहा हूँ समझ लेना ठीक है। इनने अपनी घड़ी को भेजा कि हमारी घड़ी पास होगी कि नहीं होगी, क्योंकि घड़ी को फेल कर दिया गया था, तो उसके बाद फिर किसने इसका आविष्कार किया था कमेंट में बताएंगे ठीक है, कमेंट में बताएंगे सेकंड नंबर पर किसने आविष्कार किया था पेंडुलम घड़ी का ठीक है। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर तभी स्टार छपा हुआ आंसर की जगह पे, क्योंकि इसके दो आंसर होते हैं क्वेश्चन, यानी कि आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना होता है ठीक है। तो ऑप्शन में आपको गैलीलियो गैलीली है, तो फिर यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन सही होगा ठीक है। अगर वो दूसरा नाम आपको पता है तो कमेंट में फटाक से बता देना, तो वो भी आंसर सही होगा अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें, पिस्तौल यानी रिवाल्वर, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया है, और ये कमेंट में बता देना रिवाल्वर को किसके किसके पास लाइसेंस भी है ये भी बता देना ठीक है। पिस्तौल का आविष्कार बताइए किसने किया था, विलियम हंट, या फिर रॉबर्ट एच गोडार्ड, या फिर हेनरी ओगले, या फिर सैमुअल कोल्ट। बड़ा यहाँ हेलो इंदु कुमारी, हेलो वेलकम, चलो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से फटाफट सबको बता देना क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, या फिर सी है हेनरी ओगले, या फिर होगा डी सैमुअल कोल्ट, यानी सैमुअल कोल्ट ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका डी ऑप्शन, यानी कि सैमुअल कोल्ट ठीक है, सैमुअल कोल्ट होगा इसका राइट आंसर, सैमुअल कोल्ट ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड राकेश पवन एंड इंदू, ठीक है सभी लोग आंसर करिए, इंदू ने नहीं किया अभी हालांकि। चलो ये बताइए फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो बड़ा सरल क्वेश्चन है आपका, बताइएगा जल्दी से, यानी वाट्स आइस, या फिर होगा लेविस ई वाटरमैन, या फिर डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, या फिर ऑक्सबर्ग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सब लोग ने बता देना, सब लोग को बता देना जल्दी से फटाफट कमेंट में, देर नहीं लगाना है यहाँ पे, फटाक से आंसर करना है, सिर्फ आंसर करना है, इधर उधर ताका जाकी नहीं करना है, सबको आंसर करना है ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी आंसर यानी बटरमैन, बटरमैन आपने सुना होगा, बटरमैन ने यानी कि दो इनकी फाउंटेन पेन की, एक तो फाउंटेन पेन की इनकी कंपनी है ठीक है, कंपनी खुली हुई है, और एक कौन से पेन की कंपनी है तो वो भी बताएंगे आप लोग कमेंट में ठीक है, और कौन सी इनकी दूसरी सेकंड नंबर की जो इनकी कंपनी है उसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट में ठीक है। यहाँ फिर 17 नंबर, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डैस के आविष्कार से जुड़े हुए हैं, बताइए एक्सरे मशीन, क्लिनिक, थर्मामीटर, या फिर स्टेथोस्कोप, या फिर माइक्रोस्कोप, फटाफट आंसर कर देना क्या होगा इसका राइट आंसर, एक्सरे मशीन, क्लिनिक, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, फटाफट आंसर करिएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से, करो भाई जल्दी करो आंसर, इतना लेट क्यों पानी वाला आदमी, 9+ बोल रहे हैं भैया, 9+61 पानी वाला आदमी ना, हाँ पानी वाला आदमी। चलो यहाँ पे आंसर आपका होने वाला है बी ऑप्शन, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ पे आप लोग थर्मामीटर ऑनली बोल सकते हो, थर्मामीटर इज द राइट आंसर ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बताइए एंटोनियो मेयोसी के आविष्कार से संबंधित है, बताइए एंटोनियो मेयोसी के आविष्कार से संबंधित है, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, एलईडी, या फिर होगा औद्योगिक रोबोट, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बता देना सबको आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है टेलीफोन, बी है ऑटोमोबाइल, सी है एलईडी, डी है औद्योगिक यानी औद्योगिक रोबोट, फटाफट आंसर करना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन सी यानी एलईडी ठीक है, टीवी देखते होगे आप लोग एलईडी ना, क्यों टीवी तो देखते होगे। चलो यहाँ पे बात करेंगे 72 क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ए है टेलीफोन, बी है बल्ब, डी सी है रडार, डी है रेल इंजन,
करिए भाई, करिए फटाफट, करिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड पवन नजार जी, क्रिश्चियन, बिल्कुल वेरी गुड। इन्होंने पवन जी ने सेकंड नाम बता दिया, यानी कि घड़ी से लेकर के घड़ी का, इन्होंने यानी गैलीलियो गैलीली के सेकंड नंबर पे कौन थे, क्रिश्चियन हाइजेंस, ठीक है, हाइजेंस थे, क्रिश्चियन हाइजेंस थे सेकंड नंबर पे, उन्होंने किया था घड़ी का आविष्कार, यानी पेंडुलम घड़ी का आविष्कार उन्होंने किया था सबसे, उनके उनके बाद यानी गैलीलियो गैलीली के बाद, इनका फेल हो गया था, उनका पास हो गया था, ठीक है, इतना अंतर है। अब आपको आंसर मिलेगा, यानी कि पोल वो कम, आपको ऑप्शन में जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको क्लिक करना है, ठीक है। हाँ जी अरविंद विद्यार्थी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अरविंद विद्यार्थी कहाँ निकल गए थे अभी, क्यों? चलो इसका आंसर ए होगा, यानी टेलीफोन होगा, इसका राइट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए यानी टेलीफोन, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ईमेल का गठन किसने किया था, तो ईमेल का गठन यानी रे टॉमलिंसन या फिर मार्क जुकरबर्ग या फिर बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स। फटाफट आंसर करना, ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए जल्दी से, बताइए कमेंट करके, कमेंट करके सबको जल्दी से बता देना आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, आंसर एक है, ठीक है। तो आंसर एक कौन सा है, वो आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, यानी रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन इज द राइट आंसर, यानी ईमेल से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो रे टॉमलिंसन होगा इसका राइट आंसर, किसने गठन किया था, तो रे टॉमलिंसन, ठीक है, रट लेना है एकदम से। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये ट्विटर कितने संस्थापित किया है, ट्विटर किसने संस्थापित किया है, तो यहाँ पे आंसर कर देना मार्क जुकरबर्ग या फिर टीम कुक या फिर नोहो अके या फिर इवान विलियम्स। यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग बहुत बार आ रहे हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग बता देंगे कमेंट में कौन है मार्क जुकरबर्ग, इनने किसकी इन्होंने किसकी किस चीज को संस्थापित किया, बताइए ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि इवान विलियम्स, इवान विलियम्स इज द राइट आंसर, ट्विटर किसने किसने स्थापित किया है, संस्थापित किया है, ठीक है, तो किसने किया, इवान विलियम्स, ठीक है, इवान विलियम्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम होवाई या फिर लिवेंस या फिर होगा जोसेफ अस्पदीन या फिर हैरी ब्रेरली या फिर होगा जेम्स डाइसन, डाइसन ऑप्शन डी है और ए बी सी डी ऑप्शन चार है, क्वेश्चन का आंसर एक है, आपको समझ के कर देना है, ठीक है। फेसबुक, वेरी गुड, फेसबुक, फेसबुक से भैया कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, मुझे पता है, मुझे पता है, वेरी गुड। अरविंद विद्यार्थी ने पूरा बायोडाटा भेज दिया, अरविंद विद्यार्थी जी ने तो पूरा बायोडाटा भेज दिया भाई, यहाँ पे पूरा बायोडाटा भेज दिया इन्होंने, इनका आंसर देख लेना, इनके क्वेश्चन पढ़ लेना, इनके आंसर सब है, तीन लोगों के आंसर दे रहे हैं अरविंद विद्यार्थी जी, यानी कि आपका ईमेल का भी दे रहे हैं, फेसबुक का भी दे रहे हैं, बिल गेट्स से यानी माइक्रोसॉफ्ट का भी दे रहे हैं, ठीक है, तीनों का दे दिया इन्होंने, वेरी गुड। मार्क जुकरबर्ग यानी पवन नजार भी दे रहे हैं, वेरी गुड, और कुंदन जी भी दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रही बात आपके सामने, इसका आंसर देखिए, सी आंसर यानी हैरी ब्रेलरी होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75 क्वेश्चन यानी स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा हैरी ब्रेरली, ब्रेरली, ठीक है, इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा, यानी किसे जाना जाता है, एसएमएस का जनक किसे जाना जाता है, या फिर एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है, या फिर एसएमएस का सबसे पहले किसने इसकी खोज की, या ऐसे हम लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। फटाफट आंसर कर देना है क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि एसएमएस का जनक किसे जाना जाता है, जैन कुम मैटी या फिर मैकोनेन या फिर रिचर्ड जर्विस या फिर होगा स्टीव जॉब्स। फटाफट से आंसर कर देना है क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिए कमेंट, जल्दी से कब सबको कर देना है कमेंट, लाइक नहीं किया वीडियो को पहले लाइक कर दो फटाफट से, सबसे पहले तो, सबसे पहले तो ये काम है आपका कि लाइक करिएगा, मैं देखूं तो भाई आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो क्लास को लेके, भाई क्लास को लेके कितना इंटरेस्टेड हो, फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा, क्लास को लेके कितना इंटरेस्टेड है, सभी लोग लाइक करेंगे वीडियो, फटाफट सभी लोग लाइक करिएगा, जल्दी फटाफट से सभी लोग करेंगे, जल्दी से करिएगा, सभी लोग करिएगा, जल्दी से लाइक करिएगा वीडियो को, सब लोग लाइक करेंगे, सब लोग लाइक करेंगे वीडियो को, सब लोग लाइक करेंगे, पहले शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, शेयर कर देना, ठीक है, ठीक है, सब सब दोस्तों को शेयर कर देना है, लाइक कर देना, मैं देखूंगा भाई आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो इस क्लास को लेके, ठीक है। सब लोगों ने लाइक किया है कि नहीं किया पहले ये बताओ, ये सर्च करके सभी लोग बताओ लाइक किया है कि नहीं किया, लाइक किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ सब लोग,
यस यस करके बताएंगे, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आपका ये रहा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन मैटी मैकोनेन, मैटी मैकोनेन होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैटी मैकोनेन, ठीक है, मैटी मैकोनेन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कार्ल बेंच या फिर एमिली वर्लिनर या फिर होगा रुडॉल्फ डीजल या फिर राल्फ एच बियर, फटाफट आंसर करिए। अच्छा आपने कर दिया अरविंद विद्यार्थी, बिल्कुल वेरी गुड, सब लोग कर दें, सब लोग कर दें भाई, सब लोग कर दें, सबसे बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, सब लोग कर देंगे, हाँ वेरी गुड, थैंक यू कुंदन जी, संदीप जी एंड अरविंद जी। बस तीन लोगों का रिस्पांस आया और किसी का रिस्पांस नहीं आया भाई, और किसी का रिस्पांस नहीं आया है। इंदु कुमारी ने कर दिया, वेरी गुड, अरविंद जी तो कर ही चुके हैं, मुझे पूरा भरोसा है अरविंद जी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंसर यानी लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, कर दो ना लाइक कर दो, क्या जा रहा आपका, क्यों भाई कर दो जल्दी से फटाक से। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, राल्फ यानी राल्फ एच बियर, राल्फ एच बियर इज द राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, डी आंसर क्लियर हुआ। अब रही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, क्वेश्चन आपका बनता है फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पे करिएगा फटाक से आंसर क्या होगा, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2004 में, ठीक है, 2004 में। और बात करें जुकरबर्ग की, तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो जुकरबर्ग है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, क्लियर। रही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा 79, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर कर देना कमेंट में, कमेंट में सबको कर देना, ठीक है, कमेंट में सबको कर देना क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिएगा सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर कर दीजिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट में, फटाक से सब लोग कर देंगे, बिल्कुल वेरी गुड, 2004। वेरी गुड, चलो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होने वाला है यानी कि वोडाफोन, वोडाफोन इज द राइट आंसर, यानी वोडाफोन इज द राइट आंसर। और वोडाफोन का जो पहले का नाम था वो लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वोडाफोन का जो पहले नाम था उस नाम को भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है, वोडाफोन जो पहले नाम था इसका क्या नाम था वो लोग कमेंट करके आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था, बीएसएनएल, भारतीय, टाटा सॉफ्टवेयर, बताइए फटाफट। भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था, बीएसएनएल, भारती या फिर होगा टाटा या फिर सॉफ्टबैंक, फटाफट फटाफट, बिल्कुल वेरी गुड रंजीत एंड अम्बिजेश, ये सब आंसर सही कर रहे हैं, और संदीप कुमार भी सही कर रहे हैं आंसर, और इंदु जी कहाँ से हैं, कुंदन पूछ रहे हैं, चलो वेरी गुड, आंसर सबने सही किया, हच, यानी कि वोडाफोन का पहले का नाम था हच, ठीक है, हच था पहले का नाम, यानी पहले नेटवर्क वोडाफोन किस नाम से था, तो हच नाम से था, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे आपके इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा सॉफ्टबैंक, सॉफ्टबैंक इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे संगीत से रिलेटेड, आपके कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, यानी संगीत, ठीक है, संगीत की दुनिया में चलेंगे और वहाँ पे हम लोग जानेंगे किस संगीत से क्या जुड़ा हुआ है, कौन कैसे कब कहाँ, ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट इस क्वेश्चनों में। आपके सामने क्वेश्चन है ये सबसे नंबर वन पे, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सितार या फिर होगा सरूद या फिर वायलिन या फिर होगा वायलिन या फिर गिटार, फटाफट आंसर कर देना, गिटार बजाते थे भाई क्या, सितार बजाते थे या फिर सरूद या फिर वायलिन, करिए फटाफट करिए आंसर, करिए जल्दी से कमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी कि वायलिन, वायलिन इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, डॉक्टर एल विच वाद्य यंत्र प्लेस सुब्रमण्यम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वायलिन, वायलिन इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेम द फोर्ट विच, सॉरी, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड बेगनर के सम्मान में बनाया गया था, ब्लामोरल कैसल या फिर होगा न्यू सवानस्टीन कैसल या फिर होगा कॉनवी कैसल या फिर क्रोनबोर्ग, फटाफट आंसर करना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर भाई, सभी लोग बता देना, ठीक है, सभी लोग को कमेंट में करके बता देना, सबको कमेंट करना है, सबको लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं भाई, एनर्जी देते जाओ हमें, डीजल के रूप में एनर्जी देते जाओ, ठीक है, डीजल जैसे प्रोवाइड किया जाता है, डीजल डाला जाता है गाड़ी में, तो उस टाइप से डीजल का काम करेगा आपका लाइक, ठीक है, एक लाइक आपका डीजल का काम करेगा, और मैं उससे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है आप लोगों को, ओके क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इससे आंसर जान लेते हैं, आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि न्यू
सबास्टीन कैसल, न्यू सबास्टीन कैसल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन यानी न्यू सबास्टीन कैसल। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, बी आंसर है इसका राइट आंसर यानी बी ऑप्शन। ठीक है, चलो बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी वो अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं, क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, फिर मैंडोलिन या फिर सितार सरोद। बताइए बताइए फटाफट फटाफट। यानी अमजद अली खान इज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हु प्रोड्यूस, बताइए फटाफट, तबला मैंडोलिन या फिर सितार या फिर सरोद। तो फटाफट आंसर कर देना सबको, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका होने वाला है भाई आपका ऑप्शन कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका डी आंसर सही, यानी सरोद। यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, हालांकि सी दिख रहा होगा दोनों ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे डी होगा यानी सरोद। सरोद इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका। कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान यानी इसके लिए प्रसिद्ध थे। सो प्रसिद्ध किसके लिए थे? तबला वादन, सरोद वादन, शहनाई वादन या फिर संतूर वादन। फटाफट आंसर करिएगा, सभी लोग करेंगे लाइक। पहले वीडियो को सभी लोग फटाक से लाइक कर दो, आंसर भी करना लाइक भी करना भाई। रितेश कुमार, रंजीत कुमार, अनिरुद्ध कुमार और भवन एंड इंदु, रितेश और कुंदन सभी लोग करेंगे। ठीक है, सौरभ और सुब्रता जी, काजल सभी लोग करेंगे, अरविंद जी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सब लोग करेंगे। ठीक है, सब लोग करेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? सी ऑप्शन होने वाला है यानी शहनाई वादन। शहनाई वादन इज द राइट आंसर। शहनाई इज द राइट आंसर किससे? तो होगा आपका उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। अली अहमद हुसैन खान इतना याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान इज द राइट आंसर क्या होगा? शहनाई वादन। ठीक है, शहनाई वादन होगा इसका, यानी कि ये कौन क्या करते थे? शहनाई वादन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है पुस्तकें। पुस्तकों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे, ढेर सारे, यानी ढेर सारे ऑथर वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। इनके लेखक यानी कौन पुस्तक कब बनी और किस प्रकाशन से रिलीज हुई है, तो ऐसा कुछ निकल के आता है आपके एग्जाम में। तो एग्जाम में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए। यानी कि आपने अभी प्लस ज्वाइन नहीं किया तो प्लस को ज्वाइन कर लो। और अब बात रही कि यहाँ पे डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट आपको 10% मिल जाएगा हमसे जुड़ने के लिए, यानी हमसे जुड़ने के लिए यानी सब एजुकेटर से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 10% कैसे? तो हरिहर YT10 आपको यूज करना है कोड, यानी या फिर हरिहर सर कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, हरिहर सर HARIHARSIR। ठीक है, इस चीज को याद रखना आपको, बस अप्लाई कर देना है कोड। जहाँ पर रेफरल अप्लाइड कोड आता है तो वहाँ पे कोड को अप्लाइड कर देना है, अप्लाइड जरूर करना है, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, समझ लेना। डिस्काउंट मिल जाएगा 10% ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट इसकी पुस्तकों से। नहीं, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? हैरी पॉटर एंड दी क्रस्ट चाइल्ड्स या फिर होगा हैरी पॉटर एंड दी यानी डेथली हैलोस या फिर होगा फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम या फिर होगा इसका द टेल्स ऑफ बीडल दी बाई। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट में कर देना सबको। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। हाँ, सभी क्लास के छात्र गायब है, मुझे पता है अरविंद विद्यार्थी, यहाँ पे सब न्यू स्टूडेंट है, छात्र एक भी नहीं मिल रहा है क्लास का, यहाँ पे एक भी नहीं है। हाँ देखो अरविंद जी, ठीक है, बिल्कुल सही बोले अरविंद जी, अरविंद जी ने पकड़ लिया है। यानी जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, 22 छात्र अभी जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, तो उनमें से एक भी छात्र आपका प्लस का स्टूडेंट का नहीं अभी ना। कौन कौन है प्लस का स्टूडेंट बता देंगे सभी लोग, अभी सभी लोग बताएंगे, पहले बताइए। हाँ जल्दी बताइए सभी लोग, पहले कौन कौन यहाँ पे है प्लस का स्टूडेंट बताइए। हाँ इंदु कुमारी कहाँ जा रहे हो, रुकना होगा अभी आपको, इंदु कुमारी को रुकना होगा क्लास में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन यानी हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड। ठीक है, हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड होगा इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अब बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण या फिर विश्वनाथ आनंद। फटाफट आंसर कर देना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? नहीं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथ आनंद। फटाफट आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी ऑप्शन यानी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर इज द राइट आंसर। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर है, इतना याद रखना आपको, माइंड में सेव कर लेना है। ठीक है,
सेव कर लेना एकदम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के वकील थे, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के वकील थे, बताइए, यानी अरुंधति रॉय, कैलाश सत्यार्थी, सचिन गर्ग या फिर चेतन भगत। फटाफट आंसर कर देना क्या होगा, ए ऑप्शन है अरुंधति रॉय, कैलाश या फिर बी है कैलाश सत्यार्थी, सी है सचिन गर्ग, डी है चेतन भगत। फटाफट आंसर कर देना, सबको सबको आंसर कर देना क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज द क्या होगा, तो इसका डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हार्मिन विद्यार्थी बिल्कुल आप हो, यानी डी आंसर इसका सही होगा, चेतन भगत, चेतन भगत इज द राइट आंसर, ठीक है, चेतन भगत इज द राइट आंसर, ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, मिड नाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, मिड नाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन, चेतन भगत, अब्दुल कलाम, सलमान रश्दी। तस्लीमा नसरीन, चेतन भगत, अब्दुल कलाम, सलमान रश्दी। फटाक से आंसर कर देना क्या होगा इसका राइट आंसर। सब लोग को पहले तो लाइक कर देना वीडियो, ठीक है, लाइक करते रहिए, मैं देखता हूँ भाई आप लोग लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करेंगे वीडियो को पहले, सबसे पहले नंबर आपका है लाइक करने का, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को पहले, ठीक है, सब लोग ने लाइक करना है वीडियो, ठीक है, सब लोग को लाइक करना है भाई वीडियो, लाइक सबको करना है वीडियो, ठीक है, सब लोग लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर भी कर देंगे अपने ग्रुप में, ठीक है, सब लोग शेयर भी करेंगे अपने ग्रुप में, ओके, हाँ बिल्कुल ये काम करना है आपको, ठीक है, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करो तो मुझे एकदम से मोटिवेट हो जाऊंगा मैं, एकदम से एनर्जी से भरपूर, एनर्जी से भरपूर, एकदम ऊर्जा से, एकदम से ऊर्जा से बलवान, ऊर्जा से भरपूर, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, यानी कि सलमान रश्दी, सलमान रश्दी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मालगुडी, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, शंकर नाग, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। फटाक से आंसर करना है क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है शंकर नाग, बी है आर के लक्ष्मण, आर के या फिर सी आर के नारायण, डी है गिरीश कर्नाड। तो फटाक से आंसर करिए क्या होगा इसका राइट आंसर, सलमान रश्दी, अच्छा पिछला वाला बता रहे हो, वेरी गुड, यानी कि इसका राइट आंसर अब क्या होने वाला, सी आंसर होने वाला, यानी आर के नारायण, आर के नारायण इज द राइट आंसर, आर के नारायण इज द राइट आंसर, बिल्कुल। आप लोगों ने लाइक भैया कर दिया भरपूर, एकदम से मैं एकदम से एनर्जेटिक हो गया हूँ आपकी लाइकें देख के, तो मैं एकदम से एनर्जी से भरपूर हूँ इस टाइम पे। आप लोग जो नए नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं वो लोग लाइक करते जाएंगे, ठीक है, लाइक करते जाएंगे, वीडियो को शेयर करते जाएंगे, ठीक है, अपने दोस्तों को हेल्प करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों को हेल्प करेंगे, यानी कि शिक्षा बांटने से घटती नहीं है बढ़ती है, शिक्षा बांटने से घटती नहीं है बढ़ती है, इस चीज़ को फॉलो करते रहिए, ये मत सोचिए कि कंपटीशन का दौर है उसको पता चल जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये कभी माइंड में मत सोचना, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव सोच आएगी, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं रखना अपने माइंड में, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं रखना, सिर्फ लाइक कर देना वीडियो को दबा के, ठीक है, मैं भी एनर्जेटिक हो जाऊँ एकदम से ना, सही बात। चलिए बताइए, डेज ऑफ प्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है, डेज ऑफ प्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है, क्रिस एबर्ट, जीन मैकनरो या फिर स्टेफी ग्राफ या फिर आर्थर एस। पर आपसे आंसर करना ए बी सी डी, ऑप्शन चार है आपके सामने, आंसर एक है, ये ध्यान रखते हुए चलना, आंसर सिर्फ एक है भैया, ठीक है, तो आंसर इसका एक क्या है, डी ऑप्शन होगा, यानी आर्थर एस, आर्थर एस इज द राइट आंसर, ठीक है, आर्थर एस इज द राइट आंसर। और रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, नहीं है पूछा गया क्वेश्चन में, ये ध्यान रखते हुए चलना, यानी है या नहीं है, इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलेंगे हम लोग आगे, यानी इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है, साइंटिफिक इंडियन नेशन या फिर इन बीजिंग एम एम्पायर्ड या फिर होगा माई कंट्री माई लाइफ या फिर एग्नाइटेड माइंड्स, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए गए, फटाफट से आंसर करना है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ देर से पहुंचता है अरविंद जी, हाँ बिल्कुल सही बोले, देर से पहुंचता है कमेंट, यहाँ पे कमेंटों का जो सिलसिला है भैया बहुत लेजी है यहाँ पे, ठीक है, ये लेजी सिलसिला है आपका, प्लस का देखते हो भगा भाग एकदम से डायरेक्ट डायरेक्ट पहुंचता है एकदम ना, यहाँ पे एकदम से एकदम बढ़िया भला मन चलता है, लाइव बोलो लाइव सुनो लाइव कमेंट करो लाइव तुरंत आता है, यानी एक सेकंड का भी फर्क नहीं होता वहाँ पे लाइव में, तो एक सेकंड का फर्क नहीं होता, तभी तो मैं यहाँ पे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस नहीं कर पाता ना, वहाँ पे देखो एक क्वेश्चन के चार क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, पहले तो आपको ये समझना होगा, ठीक है, प्लस पे काफी अच्छी क्लास अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से क्रिएट होती है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे बड़ी देर बाद तो कमेंट आता है ना, तो ये सही बात है, तो इसका राइट आंसर होगा माई कंट्री माई लाइफ इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिंग, ड्रीमिंग बिंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है, अब्दुल कलाम, सैम पित्रोदा या फिर नंदन नीलकड़ी या फिर अजीम प्रेमजी। फटाफट आंसर करना है क्या होगा, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है।
हैं अब्दुल कलाम, सैम पित्रोदा, नंदन नील कड़ी या फिर अजीम प्रेम जी। फटाफट से आंसर करना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो आपका है, चार ऑप्शन है आंसर एक है, ठीक है, चार ऑप्शन आंसर एक, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका सामने रहा क्वेश्चन, किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ, नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मर्लन जेम्स, रिचर्ड फ्लैगनन या फिर अरविंद अडिगा या फिर ई ओ विल्सन। फटाफट आंसर करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिए फटाफट आंसर, ठीक है। हाँ, अनअकैडमी बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट बेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद विद्यार्थी जी, बिल्कुल अनअकैडमी तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, आप लोग स्टडी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, लाइव कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, जो भी है सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिलसिला लेजी होता है, यानी कि आलसी तरीके का ना, क्वेश्चन आप बोलता हूँ तो वहाँ पे लेट सुनते हो, आप लोग वहाँ से कमेंट करते हो लेट आता है, यानी कि थोड़ा अंतर हो जाता है, सेकेंडों का अंतर हो जाता है ना। चलो, इसका राइट आंसर होने वाला आपका ए ऑप्शन है, मार्लन जेम्स, मार्लन जेम्स इज द राइट आंसर। किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स के लिए बस 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपका मार्लन जेम्स, मार्लन जेम्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आर के नारायण नामक पुस्तक के लेखक नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। आर के नारायण नामक पुस्तक के लेखक नहीं है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर टू लीप्स एंड ए बर्ड या फिर होगा बैटिंग फॉर द महात्मा या फिर डी होगा द इंग्लिश टीचर। ए ऑप्शन आपसे, हाँ बिल्कुल कुंदन जी, बिल्कुल ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है कुंदन जी, बिल्कुल है, आप आइए एक बार मिलिए आके कुंदन जी भाई, मिलो आके अनअकैडमी पे भैया, मिलो आके, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं, सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि अभी स्पेशल क्लास कल होगी आपकी, एक होगी 4:30 बजे, एक होगी 7 बजे, ठीक है, दो क्लासें कल होंगी, एक होगी 1 बजे, ठीक है, तीन क्लास होंगी, कल मिलिए स्पेशल क्लास में हमसे कुंदन जी, ठीक है, स्पेशल क्लास में सबको मिलना है और वहाँ पे मैं सब बता दूंगा आपको क्या कैसे क्या कब कहाँ, ठीक है कुंदन जी, ठीक है, सब लोग आइएगा, सबको मैं बताऊंगा, ठीक है। संतोष कुमार रवि वेलकम, यानी कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टू लीप्स एंड ए बर्ड, टू लीप्स एंड ए बर्ड, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन। अब आ जाइए नृत्य संस्कृति, नृत्य संस्कृति में आ जाएंगे तो हम लोग जानेंगे, यानी डांस कल्चर, डांस कल्चर जानेंगे भैया हम लोग, नृत्य संस्कृति, डांस होने वाला है, ठीक है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे, डांस से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसी बात पे भैया कर दो लाइक, लाइक कर दो इसी बात पे, सभी लोग लाइक कर देना, सबको लाइक करना है तभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो 2019 में पूछेंगे तो आंसर 2020 में पहुंचता है, बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, यहाँ पे नृत्य संस्कृति चलने वाली, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, पहले वीडियो को लाइक कर दो दबा के, सब लोग जो न्यू जुड़ते जा रहे हैं, जो जिसने लाइक नहीं किया, वैसे लाइक कर दिया कुछ लोगों ने, लेकिन जिसने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दें पहले, फिर क्वेश्चन को आगे लाते हैं, ठीक है, फिर लाएंगे आपका आगे, ठीक है, जल्दी से कर दीजिएगा, मैं भी एकदम से जनरेटर बन जाऊं, आप लोग डीजल डाल दो, मैं जनरेटर हूं, मैं एकदम से स्टार्ट हो जाऊंगा, बट 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 बट, ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट, करिएगा जल्दी से, लाइक रूप का जो लाइक नामक रूप से आप लोग जनरेटर में डीजल का काम करेंगे, ठीक है, कर दिए निशी पांडे, वेरी गुड निशी पांडे, लेकिन आप अभी कहाँ गायब थे, अभी कहाँ गायब थे ये बताइए पहले, आप अभी गायब हो गए क्लास से। चलो, बात करेंगे नृत्य संस्कृति, आप लोगों ने लाइक कर दिया है तो ठीक है भैया, नहीं किया तो हम कर नहीं सकते आपसे जबरदस्ती, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य शैली का मूल राज्य है, कथकली नृत्य शैली का मूल राज्य, तो ए है तमिलनाडु, बी है ओडिशा, सी है केरल, डी है कर्नाटक, ठीक है, फटाक से आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाक से जल्दी से, संजीव जी आंसर करिएगा, संजीव जी आंसर करेंगे जल्दी से, संदीप कुमार वेरी गुड, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ना। चलो, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी केरल, केरल इज द राइट आंसर, केरल इज द राइट आंसर, यानी कथकली नृत्य शैली का मूल राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल, केरल यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ, चलो यही थे, वेरी गुड यही थे, तो चलो यहाँ पे आप सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो क्वेश्चन आपका यह भी बड़ा अच्छा है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है, तो यहाँ पे अटका देने वाली बात यह है कि चार ऑप्शन है, आंसर एक है, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, यानी कि ए ऑप्शन है ओडिशा, बी है केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी है असम, तो यहाँ पे आंसर एक है, ऑप्शन चार है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हुए समझदारी के साथ आंसर को कर देना है क्लिक, क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी केरल कर रहे हैं, कौन कर रहा है, केरल,
केरल अरविंद विद्यार्थी कर रहे हैं, अरविंद विद्यार्थी कर रहे हैं केरल, और कर रहे हैं सी, और लोग कर रहे हैं सी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, यानी केरल। केरल इज द राइट आंसर। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित तो होगा केरल, केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नोट करते जाइए, अपने माइंड में नोट करते जाइए, अपनी बुक और पेन ले लो उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, नहीं तो वीडियो को बाद में भी आप लोग पॉज कर करके नोट करते रहिए। ठीक है, बाद में भी पॉज कर करके नोट करते रहिए। ठीक है, और रही बात, आपको पीडीएफ वगैरह सब फिल्म मिल जाएगी, आप लोग अकेडमी में ज्वाइन होइए और यहाँ सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और रही बात डिस्क्रिप्शन में आपको देखो, हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा स्पेशल क्लास का। ठीक है, स्पेशल क्लास का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप लोग क्लिक करोगे फटाक से ज्वाइन हो जाओगे मेरी स्पेशल क्लास में। ओके, ठीक है। हाँ निशी पांडे बताइए। चलो, यानी कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लोक नृत्य नहीं है, भारत का लोक नृत्य नहीं है, नहीं का टैग लग गया है तो आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आंसर क्या होगा। तो मोहिनी अट्टम, लावड़ी, या फिर कालबेलिया, या फिर रौफ, फटाक से आंसर करना है क्या होगा। ऑप्शन ए है मोहिनी अट्टम, बी है लावड़ी, सी है कालबेलिया, डी है रौफ। तो फटाफट कर दीजिएगा आंसर क्या होगा, भारत का लोक नृत्य कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, यानी कि क्या है, ए ऑप्शन मोहिनी अट्टम, यानी भारत का लोक नृत्य नहीं है। अब क्या है मोहिनी अट्टम, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मोहिनी अट्टम जो है वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मोहिनी अट्टम की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, मोहिनी अट्टम की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। क्वेश्चन वही है, घुमा के पूछ दिया, ध्यान रखना कमेंट में क्या करना वो भी आपको पता चल गया होगा ना। जिसको नहीं पता है मोहिनी अट्टम के बारे में तो वो आप लोग कर दोगे फटाक से यहाँ पे कमेंट में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देख के, ठीक है, क्लू है, इतना क्लू काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन हो रहा है अरविंद विद्यार्थी, बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल रिवीजन करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, सिलसिला जारी रखेंगे। वैसे मुझे ये लग रहा है कि प्लस के स्टूडेंट जो थे वो बताओ एक भी नहीं आए ना, एक भी नहीं आए ना, ये चीज़ सोचने वाली है ना। चलो यहाँ पे आप बात करेंगे लाइक की, फिर से एक बार जनरेटर में पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो आप लोग लाइक करके। ठीक है, जनरेटर में सब लोग ने पेट्रोल डीजल डाल देना, जो है पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर आपके पास कैरोसिन हो, कैरोसिन भी चलेगा। ठीक है, ये वैसा है मल्टी मल्टी जनरेटर है, ये कैसे भी स्टार्ट हो सकता है। आप लोग डीजल डालोगे तो भी चलेगा, पेट्रोल डालोगे तो भी चलेगा, और कैरोसिन डालोगे तो भी चलेगा, और ना हो तो देसी घी डाल देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, डाल दीजिए जो भी हो वो डाल दीजिए, यानी लाइक करना है सबको, लाइक कर देना भैया, मोटिवेट करना है हमको कि नहीं करना है, एक एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं भी लेजी टाइप से पढ़ाने लगूंगा ना, मैं भी तो लेजी टाइप से पढ़ाने लगूंगा अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे। मैं आप चेक करता हूँ बार बार, बार बार चेक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना हम लोग हमें लाइक कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर रहे हो। ठीक है, आपका पहला क्लास है भाई ऋषि के, सेकंड क्लास भी आप कर सकते हो, इसको सेकंड क्लास भी बना सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड क्लास भी बना सकते हो। वेरी गुड, लाइक कर रहे हैं सब लोग भैया, थैंक यू सबको, थैंक यू, दिल से धन्यवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यानी कि इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा मोहिनी अट्टम एक है, मोहिनी अट्टम की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो क्या ये शास्त्रीय नृत्य शैली है, ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम क्या है, यानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो कहाँ से है तो केरल होगा इसका राइट आंसर, यानी केरल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हरियाणा, बी केरल, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका होगा यानी ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, लोक नृत्य शैली नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राउत नचा, छाऊ, कुचिपुड़ी, कालबेलिया, फटाफट यहाँ पे आंसर करना, ए होगा राउत नचा, बी होगा छाऊ, सी होगा कुचिपुड़ी, और डी होगा कालबेलिया। ठीक है, फटाफट आंसर करते रहिए, करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, भीड़ नहीं लगाना, आंसर करते हुए निकल जाना है। ठीक है, आंसर करते हुए निकल जाना सबको, पहले करो सब लोग आंसर, इसका आंसर करेंगे तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी। जल्दी से आंसर करते रहिए, फटाफट फटाफट से सभी लोग आंसर करते रहेंगे। ठीक है, करते रहिए फटाफट, करते रहो भाई, पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर, कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर, कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। तीन चार बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उड़ीसा, या फिर हरियाणा रेलवे। फटाफट आंसर कर देना, ये रिसेंटली क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो आप लोगों को फटाफट से आंसर करना है क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश,
सी है उड़ीसा, डी है हरियाणा। इसमें सारे आपके टॉपिक कवर होने वाले हैं, नाच गाना और आउथर एंड आपके स्पेस से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ मैं आज। आप लोगों को बिल्कुल साथ बनाए रखना है, आगे बढ़ते रहना, ठीक है, आगे बढ़ते रहना सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि असम। असम इज द राइट आंसर। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा भैया असम, ठीक है, असम इज द राइट आंसर। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृष्ण यानी कृष्णाष्टम। कृष्णाष्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाष्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। फटाफट आंसर करना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल। केरल इज द राइट आंसर। केरल इज द राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कृष्णाष्टम, कृष्णाष्टम, केरल। इतना याद रखना है आपको बस। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी से बात आती है तो भैया हम लोग एकदम से ध्यान रखेंगे हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब फटाफट से पहुंच जाएंगे राजस्थान के पास, यानी ऑप्शन सी के पास। नौटंकी कहाँ पे होती है? तो नौटंकी होती है राजस्थान में। हम लोग बोलते हैं कि क्या नौटंकी कर रहे हो, तो हम लोग क्या सोचेंगे कहाँ पे नौटंकी, कहाँ से आया ये शब्द? तो आया आपका राजस्थान से, हरियाणा से, सॉरी हरियाणा, हरियाणा होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए, हरियाणा इज द राइट आंसर। मैं सॉरी बोल भूल गया था, यानी अभी आंसर अभी ये होगा, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। नौटंकी मत करिए, नौटंकी मत करिए, तो क्या होगा? हरियाणा होगा, ठीक है, हरियाणा में नौटंकी मत करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कुद है जो, कुद नृत्य है, कुद नृत्य आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? कुद नृत्य मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान। ए बी सी डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन चार, ऑप्शन अनेक, आंसर ए, ऑप्शन अनेक, आंसर एक, तो फटाक से कर देना है वो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका होने वाला है यानी कि बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, जे एंड के, यानी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल याद रखना है आप लोगों, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मृणालिनी, मृणालिनी सारा भाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृणालिनी सारा भाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो यहाँ पे आंसर करना है पट चित्र, या फिर तंजौर चित्रकारी, या फिर भरतनाट्यम, मधुबनी चित्रकारी। और एक चीज आपको कमेंट में बता देना है, मृणालिनी सारा भाई जो है वो किसकी वाइफ थी या किसकी पत्नी थी, आपको कमेंट करके बता देना फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट इसका आंसर नहीं कर रहे हैं। मृणालिनी सारा भाई किसकी पत्नी थी? ठीक है, चलो इतना बताना आपको कमेंट में। चलो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा मृणालिनी सारा भाई का सी ऑप्शन, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कला से जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, या फिर बिहार में प्रचलित लोक कला, या फिर शहद निकालने की कला? तो फटाफट यहाँ पे आंसर कर देना भैया, कौन किस स्टेट से है तो वो जानता होगा, अगर वो इस स्टेट से होगा तो उसको बिल्कुल अच्छे से पता होगा मधुबनी कला क्या है। अगर बिहार से है कोई तो बता देना है, बिहार से आपको पता होगा बिहार में प्रचलित लोक कला है ये, ठीक है, बिहार में प्रचलित लोक कला है, तो क्या है मधुबनी? यदि मधुबनी बिहार में प्रचलित लोक कला है, ठीक है। हाँ विक्रम साराभाई, वेरी गुड अरविंद विद्यार्थी, वेरी गुड, वेरी गुड। विक्रम साराभाई की पत्नी थी, बिल्कुल विक्रम साराभाई की पत्नी थी, वेरी गुड। और इनका निधन कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, इनका निधन कब हुआ है? हाँ विक्रम साराभाई, निशी पांडे, शॉर्टकट में दे रहे हो आंसर, हाँ शॉर्टकट दे रहे हो ना, शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हो, बड़े अच्छे लगते हैं आपको शॉर्टकट, हाँ बिहार में प्रचलित लोक कला, वेरी गुड अरविंद विद्यार्थी। चलो यानी कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी और इनका निधन हाल ही में 2016 में हुआ है और इनकी उम्र थी 97 ईयर, ठीक है। ये आपको फैक्ट कहीं नहीं मिलने वाले, क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। और रही बात, मैं यहाँ पे फैक्ट एक दो बता दे रहा हूँ ऐसी मोह जबानी, लेकिन आपको लिखित में अगर चाहिए है, सब पीडीएफ वगैरह चाहिए है, तो हमारे प्लस कोर्स से जुड़ जाइए और आके एक बार वहाँ का अनुभव लीजिए कैसा होता है क्लास। इन सब एजुकेटर से क्लास कर सकते हो, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे सबका क्लास कर सकते हो, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा क्लास कर पाओगे, सब एजुकेटर का टॉप टॉप एजुकेटर मिलने वाले, यानी कि यहाँ तक कि वाईफाई से भी क्लास कर सकते हो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 2016 में निधन हुआ था, बिल्कुल, वेरी गुड अरविंद विद्यार्थी।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर होगा यानी कि सी ऑप्शन, बिहार में प्रचलित लोक कला। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश होगा या फिर नागालैंड होगा या फिर ओडिशा होगा या फिर पश्चिम बंगाल होगा। हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। बड़ा बड़ा आंसर करना है, ऑप्शन चार क्वेश्चन का आंसर एक। और ये बता दीजिए, टाइम ओवर, टाइम मेरा हो चुका है, आगे क्लास को बढ़ाया जाए, ये सिलसिला जारी रखा जाए या फिर सिलसिले को यहीं पर थाम दिया जाए। आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे, क्लास को आगे किया जाए या फिर सिलसिला यहीं पर रोक दिया जाए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही चलूंगा मैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, यानी नागालैंड इज द राइट आंसर। हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नागालैंड, नागालैंड इज द राइट आंसर। हार्नबिल नागालैंड, हार्नबिल नागालैंड, ऐसे याद रखना होगा आपको, ऐसे ही रिविजन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करेंगे, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो फटाफट आंसर कर देना सबको, क्या होगा इसका राइट आंसर। इन ऑप्शन ए ऐसे किम भी है, उत्तर प्रदेश, डी सी है उत्तराखंड, डी है नागालैंड। फटाफट करिए करिए करिए। अच्छा आगे और भी कराते रहे भाई, अमरजीत बोल रहे हैं आगे और भी रखें सिलसिला जारी। नींद आ रही है ऋषि पांडे, चलने दे। कुंदन जी बोले चलने दो क्लास को कंटिन्यू, विवेकानंद जी बोले कंटिन्यू, और रंजीत बोल रहे हैं आगे चलने दे, सिलसिले को जारी रखें। इंदु कुमारी बोल रहे हैं सर आगे करिए क्लास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और वीरेंद्र पाल क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बी, और प्रिया कुमारी बोल रही हैं आगे रखें क्लास को। चलो भाई करते हैं, बिल्कुल आगे रखेंगे, बिल्कुल साथ आपका देते रहेंगे, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, यानी सबका साथ सबका विकास करना है, ठीक है। सिर्फ बोलना नहीं है, करना है, बोलते बहुत लोग हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करते नहीं है। मैं करता भी हूँ बोलता भी हूँ, दोनों बातें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सिक्किम, सिक्किम होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम यानी कि लोसुंग महोत्सव, लोसुंग महोत्सव सिक्किम, लोसुंग महोत्सव सिक्किम, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और रही बात नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा जरूर मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, यानी कि नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा जरूर मनाया जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर है हार्नबिल उत्सव या फिर बनेश्वर मेला या फिर भगोरिया उत्सव या फिर बहाग्यो बिशु, बताइए। फटाफट आंसर इसका क्या होने वाला है, इसका आंसर जो होने वाला है, वेरी गुड अरविंद विद्यार्थी भैया, एनर्जी कहाँ से लाएं, एनर्जी कहाँ से लाएं, चाहिए बताइए। 10:30 बजे तक क्लास को चलने देंगे मान लिया आपकी बात, लेकिन भैया एनर्जी भी तो प्रोवाइड करवाते रहो, बीच बीच में लाइक करते रहो भाई, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, बिल्कुल। प्रिया कुमारी बोल रही लाइक करेंगी, बिल्कुल करेंगी भैया, लाइक करते रहो, सब लोग लाइक करिए। निशी सो जाओ बोला इंदु, बोला इंदु, बोल रही इंदु कुमारी की, निशी सो जाओ, आप सो जाइए, क्लास में कोई कुछ नहीं आपसे बोलेगा, आप सो जाइए, ठीक है, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। पिंटू कुमार बोले कंटिन्यू, वेरी गुड, कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और रही बात आपको बता दें, लाइक कर देना सबको, यस यस कर देना, लाइक जो जो करेगा वो यस यस करेगा, जो नया छात्र है जो कर चुका है वो नहीं करेगा यस, जो नया छात्र जुड़ा है वो यस करेगा, यानी कि अपने डेजर, हम जैसे जनरेटर का काम कर रहे हैं आपका, तो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं नॉलेज, तो उसमें डीजल डालना ना बनता है ना, तो डीजल डालते रहिए आप लोग, डीजल डालते रहेंगे, डीजल में आप लोगों का कैरोसिन भी चलेगा, पेट्रोल भी चलेगा, डीजल भी चलेगा, और रही बात देसी घी हो तो देसी घी भी चलेगा, नहीं है तो सरसों का शुद्ध घानी यानी घानी का तेल दे दीजिए, कच्ची घानी का तेल भी डाल दोगे तब भी धीरे 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 दिया बाती होती रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपका आंसर है यहाँ पे हार्नबिल उत्सव, हार्नबिल उत्सव इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा हार्नबिल उत्सव, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि अब कैसे याद करो, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा जरूर मनाया जाता है, हार्नबिल उत्सव होगा इसका राइट आंसर, बाकी इसका बारे में पहले से मैंने बता दिया है। यहाँ पे बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मत सोचिए कि अभी तक 16 हुए हैं, क्वेश्चन काफी हो गए हैं, मैंने टॉपिक बाई टॉपिक घेरा है मैंने, यानी कि अभी ये क्या चल रहा है आपका, ये उत्सव चल रहे हैं, ठीक है, फेस्टिवल उत्सव चल रहे हैं, नृत्य चल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है, ठीक है। तो बताइए रण उत्सव यहाँ कहाँ मनाया जाता है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंसर कर देना, बिल्कुल वेरी गुड, सबने कर दिया, बिल्कुल यस यस कर रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे बताइए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फटाफट आंसर कर देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिएगा सभी लोग कमेंट में, ठीक है, कमेंट का इंतजार रहेगा आपका, ठीक है, भले ही सिलसिला स्लो हो कमेंट का आपका, लेकिन करना है सबको, ठीक है, करना है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गुजरात होगा इसका राइट आंसर, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गुजरात, गुजरात,
इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है ऑप्शन ए। रही बात गढ़ यानी गढ़ गौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, गढ़ गौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, गढ़ गौर राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा गढ़ गौर राजस्थान, इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। बताइए विश्व यानी ये आंसर क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, गोवा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल, गोवा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास चार है, आंसर एक है, यानी ऑप्शन अनेक आंसर एक, ध्यान रखते हुए चलना है आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन यानी ए, गोवा इज द राइट आंसर, यानी कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस गोवा, ठीक है क्लियर। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा महाराष्ट्र स्थित मरुड़ जंजीरा, महाराष्ट्र स्थित मरुड़ जंजीरा का किला चारों तरफ से इससे घिरा हुआ है, पानी से धान के खेत से बाघ से पेड़ से, बताइए पानी से धान के खेत से बाघ से पेड़ से, यानी पानी भरा हुआ है या फिर धान के खेत हैं, धान मीन्स चावल, और रही बात बाघ तो आप लोग जानते हो बागवानी, और पेड़ तो आप लोग जानते हो वृक्ष बोलते हैं इंग्लिश में, ट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन चार है आंसर एक है, महाराष्ट्र में स्थित मरुड़ जंजीरा किला किस चीज से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है पानी से, यानी कि वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है क्लियर हुआ हाँ, अनमोल रतन, ठीक है अनमोल रतन भरा हुआ है यानी कि पानी, ओके। चलो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करेंगे, यानी कि विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभयारण्य माचू पिचू, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभयारण्य माचू पिचू यहाँ स्थित है, पेरू जापान वियतनाम चीन, बताइए फटाफट क्या होगा, विश्व विरासत स्थल ऐतिहासिक अभयारण्य माचू पिचू पेरू, ठीक है ऐसे याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा यानी पेरू इज द राइट आंसर। और बात आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में एक चीज बताना, यानी माचू पिचू ये विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था, डेट बताएंगे आप लोग कब शामिल किया गया था, यानी कि आपको क्लू देते हैं 19 इसके बाद आपको बताना है, ठीक है, दो अंक आपको बताना है, 19 अब दो अंक आपको बताना है कब किया गया था इसको ऐड, यानी कि विश्व विरासत धरोहर में, ठीक है यानी माचू पिचू अभयारण्य को, ठीक है ये आपको कमेंट बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको बता देंगे, क्वेश्चन रहा आपके सामने एक संस्कृति की मान्यताओं मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, संस्कृति व्यवहारिकता या फिर संस्कृति सापेक्षवादिता या फिर संस्कृति स्वतंत्रता या फिर संस्कृति परस्परहीनता, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कर देना है सबको भैया, क्या है इसका आंसर ए बी सी डी, चार ऑप्शन भैया आंसर जल्दी से कर दो सभी लोग, ठीक है। तो इसका राइट, हाँ बिल्कुल प्रिया कुमारी, माचू पिचू पेरू, बिल्कुल वेरी गुड, ये ट्रिक आपको याद रखना है माचू पिचू पेरू, ठीक है हाँ ऐसे याद रहेगा। चलो नेक्स्ट इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, संस्कृति सापेक्षवाद, ठीक है संस्कृति के सापेक्षवाद इज द राइट आंसर, ठीक है संस्कृति के सापेक्षवाद यानी एक संस्कृति की मान्यताओं मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, तो क्या होगा इसका रहेगा राइट आंसर संस्कृति सापेक्षवाद इज द राइट आंसर, ठीक है हाँ बिल्कुल वेरी गुड अरविंद विद्यार्थी। यानी भारतीय होली कैसे मनाते हैं, बड़ा क्वेश्चन सरल है, आप लोगों ने होली मनाई होगी तो आपको पता होगा, यानी एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, पानी डालकर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ये आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि एक दूसरे पर रंग डालकर हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है क्लियर हुआ। अब रहा बात नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, यानी ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, चार ऑप्शन आंसर एक, क्वेश्चन एक ऑप्शन अनेक आंसर एक, ठीक है चलो करिए। और रही बात इसके आंसर अनेक, मैं प्लस में बनाऊंगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्वेश्चन भी अनेक, आंसर भी अनेक और ऑप्शन भी अनेक, ठीक है वहां पे आइए प्लस में एक बार, सिलसिला जारी रखिए आने का और हमसे जुड़ने का, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ आयुष एक बार पूछे यूट्यूब पे क्यों, मैं समझा नहीं आपका बात, हाँ
अरविंद विद्यार्थी बिल्कुल वेरी गुड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी पुष्कर मेला इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन पुष्कर मेला इज द राइट आंसर, ठीक है पुष्कर मेला इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है पुष्कर मेला, ठीक है पुष्कर मेला इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे सिग्मो क्या है, सिग्मो क्या है गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव या फिर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी या फिर होगा एक प्रकार की रंगोली या फिर भगवान शिव के नामों से एक, बताइए नामों में एक। सिग्मो क्या है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है सिग्मो गोवा ठीक है, ये याद रखना है आपको बस ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, नई दिल्ली बंगाल यानी बेंगलुरु मुंबई चंडीगढ़, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, नई दिल्ली बेंगलुरु मुंबई चंडीगढ़, नई दिल्ली बेंगलुरु चंडीगढ़ या फिर दिल्ली, बताइए या फिर मुंबई या फिर चंडीगढ़ या फिर बेंगलुरु, नई दिल्ली, बताइए कंफ्यूजन मत हो। हाँ चलो इसका राइट आंसर आपका हुआ चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, यानी कि वास्तुकला दृष्टि से नियोजित शहर आपका चंडीगढ़ होगा, ठीक है चंडीगढ़ होगा वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर चंडीगढ़, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा आंसर बनता है आपका, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत नदी है, गंगा यमुना सरस्वती, नाम सुना होगा आप लोगों ने गंगा यमुना सरस्वती, इनमें से कौन है आपका राइट आंसर, तो आपको चूज करके कमेंट में कर देना फटाफट से आंसर एकदम से फास्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला संस्कृत सरस्वती इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, सरस्वती इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है क्लियर। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है, ग्वालियर भोपाल उज्जैन इंदौर, ग्वालियर भोपाल उज्जैन इंदौर, सब लोगों ने कुंभ का मेले के बारे में सुना होगा और कुछ लोग गए भी होंगे नहाने, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर होगा आपका उज्जैन, उज्जैन इज द राइट आंसर, यानी उज्जैन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डैश कुमाऊं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और संत ऋतुओं शीत ऋतुओं में किया जाता है, बताइए कर्ण छोरा रासलीला छपली, बताइए छेपली होगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि डी छेपली लिखा हुआ छेपली होगा, ठीक है छेपली, ठीक है डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जयपुर, जयपुर इज द राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहा, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, तो फटाफट आंसर कर देना है क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर कर देना है क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर कर देना है क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कम ऑन फास्ट, जल्दी से कर देना है भैया, कर देना जल्दी से कमेंट में आंसर, ठीक है सबको कर देना है आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में फटाफट कमेंट में, यूट्यूब पे आ जाओ फटाफट, ठीक है यूट्यूब पे कमेंट जल्दी करिएगा, जल्दी से आ जाइए फटाफट यूट्यूब चैनल पे, ठीक है यूट्यूब पे सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे कमेंट में, ठीक है करेंगे आंसर फिर, ठीक है जो नहीं आए उनको शेयर करना है लिंक वीडियो का, ठीक है लिंक शेयर करना है, लाइक भी करना है, ठीक है सबको लाइक करना है कि जनरेटर को कैसे स्टार्ट करेंगे कैसे आगे बढ़ाएंगे ध्यान रखते हुए चलेंगे। आज यासीन खान नहीं आए क्यों, यासीन खान आज क्लास में नहीं आए यूट्यूब की क्लास में, आइए फटाफट जल्दी से आइए फटाफट, इनको आज क्लास लेंगे इनकी, यासीन खान की क्लास आज ली जाएगी, ठीक है आज यासीन खान की जो है वो क्लास ली जाएगी, ठीक है हाँ फटाफट इसका आंसर कर देना सबको, ठीक है चलो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आंसर करते रहिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, गुजरात, ठीक है गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है गुजरात इसका राइट आंसर होगा, ठीक है जल्दी से आ जाइए फटाफट, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर स्थित है, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर स्थित है, तो फटाफट आंसर करना होगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिएगा आंसर फटाफट से, ठीक है सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कर देना सबको कमेंट में, यानी कि शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा सभी लोग पोल में, ठीक है वो कमेंट में हाँ यासीन बिजी होंगे,
यसीन खान बिजी होंगे? नहीं, लेकिन आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई यसीन खान, बिल्कुल आएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन सी होगा, यानी कि नेपाल, नेपाल इज द राइट आंसर, नेपाल इज द राइट आंसर। यसीन खान आ गए हैं भैया, यसीन खान की बातें चल रही थी लेकिन यसीन खान बातें करते ही करते आ गए हैं क्लास में। क्यों, कहाँ रहे अभी तक? और आपका ग्रुप कहाँ है यसीन खान, ग्रुप कहाँ है आपका, ग्रुप कहाँ है पूरा? क्यों, गलत बात है ना, गलत बात है ना। चलो यहाँ पे आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर जो होने वाला है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसका पिछला राइट आंसर था आपका सी ऑप्शन, यानी नेपाल, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ यसीन आ गया है, अरविंद विद्यार्थी अकेले डटे हुए हैं क्लास में, निशी है और आयुष अग्रवाल हैं और एक दो लोग हैं, लेकिन आज प्लस के स्टूडेंट एक भी नहीं है क्लास में, मुझे देख करके बड़ा ही अजीब फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ बड़ी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है, उगेन बांगचुंग या फिर गुआंग नाम ग्याल, या फिर होगा गुआंग ग्याल टिस्न, या फिर होगा जिगमे बांगचुंग। फटाफट आंसर करना है कमेंट में, फटाफट से आंसर सबको कर देना है कमेंट में, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ लाइक शेयर करो सभी लोग, भाई यसीन बोल रहा है लाइक कर दो, बिल्कुल लाइक कर दो। देखो ये होता है जज्बा, ये होता है जोश, ये होती नई सोच, नई जोश, नई ऊर्जा। देखो मेरे प्लस के स्टूडेंट हैं एकदम समझदार हैं, आते ही नई ऊर्जा, नई सोच, नया जोश भरने लगे हैं क्लास में, जिससे कि मैं एकदम से एनर्जेटिक हो जाऊँ। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी एनर्जी देते रहो क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं एकदम एक मिनट के लिए भी नहीं रुका हूँ, तो आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहना है, लाइक करते रहना है वीडियो को, ठीक है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हालांकि, तो सबको लाइक करना है, सब लोग एक एक लाइक कर दो, मैं चेक करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, एकदम से एनर्जेटिक तरीके से मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका बी ऑप्शन, यानी गुआंग नाम ग्याल, गुआंग नाम ग्याल होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बताइए। नमस्कार राजमीना, नमस्कार राजमीना, बड़े लेट हो गया, बड़े लेट हो गए क्यों, नमस्कार राजमीना, बड़े लेट हो गए। चलो यहाँ पे आंसर आप लोग करिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, इन ऑप्शन ए है पारसी, बी है सिख धर्म, बी डी है, सी है बौद्ध धर्म, डी है जैन धर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि पारसी धर्म, पारसी धर्म इज द राइट आंसर, जैन अवेस्ता पारसी धर्म, जैन अवेस्ता पारसी धर्म। प्लस की क्लास में मैंने ऑलरेडी धर्म के बारे में आपको सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, और अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने नहीं देखा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ तक कि सीएबी कैब के बारे में मैंने बताया हुआ है, यानी एनआरसी के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग मेरी वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर नॉलेज नहीं है वही वीडियो वाला हाल मत करिए जो वायरल वीडियो चल रहे हैं आजकल, कि उनको एनआरसी के बारे में पता नहीं है, सीएबी के बारे में पता नहीं है, कोई बोल रहा है कि ये आलू महंगा हो रहा है, कोई बोल रहा है प्याज महंगा हो रहा है, कोई बोल रहा है लहसुन महंगा हो रहा है, तो उनको फुल फॉर्म पता नहीं है, कोई बोल रहा है मैं पान खाई हूँ प्रधान जी से पूछो, तो ये चीज़ें आपको देखना होगी। वीडियो जो वायरल है आजकल के सीएबी का फुल फॉर्म पूछते हैं मीडिया वाले तो वो लोग चुप हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोगों को वीडियो देखना है, मेरा पिछला वीडियो डाला हुआ है इसी यूट्यूब में, ठीक है। आपको उस वीडियो को देखना होगा, सबको पूरी नॉलेज रखना होगी सीएबी के बारे में, एनआरसी के बारे में, गलत कन्फ्यूजन को दूर करना होगा, ठीक है, गलत सोच नहीं रखनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी पारसी धर्म इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मैंने यूट्यूब चैनल में भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, और रही बात प्लस में मैं करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है, सब कुछ बाकी का यहाँ पे आ जाइए। पवित्र शहर मक्का में स्थित है, पवित्र शहर मक्का में स्थित है यूएई, सऊदी अरब, कतर, अबू धाबी। फटाफट आंसर करना होगा क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग कर देना, सबको आंसर करना क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में करते रहिए सभी लोग आंसर, कमेंट में सबको कर देना आंसर, सबको आंसर कर देना है, बिल्कुल भी चूक नहीं करना, ठीक है, सबको कर देना है, ठीक है, जल्दी से सबको आंसर कर देना, सबको आंसर कर देना, फटाफट आंसर करते रहिए सब लोग, करते रहिए आंसर फटाफट, कमेंट में मैं देखूंगा कौन कौन आंसर करता है, कौन कौन नहीं करता है, मैं बोल रहा हूँ बराबर, आप लोग आंसर का नहीं कर रहे हो ना, आप लोग आंसर भी नहीं कर रहे हो भाई, करते रहिए फटाफट आंसर, करते रहिए सभी लोग, सभी लोग करते रहिए आंसर फटाफट, सिलसिला जारी रखेंगे कमेंट और आंसर करने का, ठीक है। हाँ जल्दी 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 करिए सभी लोग आंसर, करिए जल्दी सभी लोग करिए,
चलो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सऊदी अरब, सऊदी अरब इज द राइट आंसर, सऊदी अरब इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि आपका सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, यूएई, कतर, अबू धाबी, इन तीन ऑप्शन को छोड़ के सऊदी अरब सीधा कर देना है, कुछ नहीं यहाँ पे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं दिन और दिवस, दिन और दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या होगा दिन और दिवस। अब कर दीजिए सभी लोग लाइक, एक बार वीडियो को आप सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, चिकन से प्याज रहेगा बिल्कुल। चलो यहाँ पे करिएगा सभी लोग, पहले लाइक करो वीडियो को, तब दिन और दिवस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सब कुछ टॉपिक घेर रहा हूँ आज मैं, सब टॉपिकों को घेर रहा हूँ, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, सब टॉपिक को मैं घेर रहा हूँ। सब लोग करेंगे पहले लाइक, वीडियो को लाइक करेंगे सब लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को, एकदम से फना बन से एकदम लाइक कर दो पहले वीडियो को, सभी लोग लाइक करेंगे, जल्दी से करिए करिए भाई, सब लोग लाइक करिए पहले, जिसने नहीं किया वो लाइक करेंगे, ठीक है, जिसने नहीं किया वो लाइक करेंगे, जिसने कर दिया उनके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नहीं बिजी नहीं है, बिजी नहीं है, ऐसी बात नहीं, निशी पांडे बिजी नहीं हूं मैं, ठीक है। चलो हाँ, इसका आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये आंसर आपके सामने आया, क्वेश्चन आया है, इसका आंसर बड़े सावधानी के साथ कर देना है, बताइए। गुड नाइट चंदन जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो यहाँ पे आंसर आपका ए होगा, यानी 4 फरवरी, 4 फरवरी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ 58 लाइक्स हुए अभी तक, बस 58 लाइक हुए हैं बस, अरविंद विद्यार्थी वही तो, यानी कि जुड़ ज्यादा लोग हैं, लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं ना, जुड़ ज्यादा लोग रहे हैं, लाइक बहुत कर रहे हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा बता दिया मैंने, बी ऑप्शन, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर, हाँ। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस की बात हो रही तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है 28 जून, बी है 22 अप्रैल, सी है 5 जून, डी है 4 अप्रैल, फटाफट आंसर करना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 है आंसर, एक है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता था, फटाफट 28 जून, 22 अप्रैल, 5 जून, 4 अप्रैल, यहाँ पे आंसर आपको होने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन 22 अप्रैल इज द राइट आंसर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, गौरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने के लिए, या फिर है अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, या फिर गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, या फिर डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, बताइए फटाफट आंसर कर देना सबको, क्या होगा इसका राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करिए सभी लोग आंसर, फटाफट सबने कर दिया है, यानी कि चलो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कौन सा सही है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर बी होगा 22 अप्रैल विश्व यानी पृथ्वी दिवस, या फिर होगा सी 22 मार्च विश्व जल दिवस, या फिर 22 मई विश्व चिड़िया दिवस, बताइए फटाफट यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, आपको पता होगा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका डी, यानी 22 मई, 22 मई शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है 22 मई विश्व चिड़िया दिवस, 22 मई विश्व चिड़िया दिवस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर आपका ये रहा, प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे विश्व पक्षी दिवस, विश्व वन जीव दिवस, यानी फिर सब जंगल दिवस, या फिर होगा विश्व, यानी विश्व जंगल दिवस, या फिर होगा विश्व पर्यावरण दिवस, बताइए फटाफट आंसर, फटाफट आंसर करिएगा। निशी पांडे चल दिए, चल दिए निशी पांडे, चलो बिल्कुल 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 जाइए, बिल्कुल जाइए, नींद आ रही होगी। चलो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होने वाला है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि डी ऑप्शन, प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ गजमन चाल भैया, गजमन चाल भी नहीं आया, हाँ गजमन चाल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, चलो मत आने दो, मत आने दो, क्योंकि कल हम प्लस पे डिस्कस करने वाले हैं, इसी सिलसिले को आगे रखने वाले, कुछ क्वेश्चन ये भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ लो, आप लोग समझदार होशियार हो जाओ कि आप लोगों को कल क्या करना है, रैंकिंग में यानी पोल में सबको नंबर बनाना है, जितने लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, जितने लोग यहाँ पे वही आएंगे कल फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, सब लोग आएंगे जो यहाँ पे हैं क्लास में, वही सबसे नंबर वन पे कल मैं देखूंगा उन्हीं को, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा, ओके ओके, स्पेशल क्लास में, ओके स्पेशल क्लास में सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे स्पेशल क्लास में, कल की जो स्पेशल क्लास होने वाली है उसमें सब लोग आएंगे, ठीक है,
सब लोग स्पेशल क्लास में कल आने वाले हैं, यस यस करिए। सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे फिर मैं बताऊंगा कैसे आओगे। पहले यस यस करो कौन कौन क्लास में कल आने वाला है स्पेशल वाली में, पहले ये बताओ स्पेशल क्लास में कौन कौन आने वाला है। मैंने पूरे मुझे पहले यस यस करके सब लोग बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आ सकते हो, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी ऑप्शन 10 अगस्त। 10 अगस्त इज द राइट आंसर। विश्व सिंह दिवस, ठीक है, यानी लाइन से। हाँ बिल्कुल रैंक में आना, जिंदा रैंक में आना है बिल्कुल, यानी विश्व सिंह दिवस यानी लॉइन डे, ठीक है। टाइमिंग में चंदन बताऊंगा मैं, टाइमिंग आइमिंग सब बता दूंगा, टाइमिंग बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत नहीं लेना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यस यस करिए सब लोग, मैं बताऊंगा सब कुछ। सब लोग पहले यस करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, ठीक है। जब नेक्स्ट इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बी होगा यानी 10 अगस्त। 10 अगस्त इज द राइट आंसर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस बताइए 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या फिर 5 जून या फिर 14 अक्टूबर। 5 जून, 14 अक्टूबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। फटाफट यहाँ पे आंसर करना है क्या होगा इसका राइट आंसर। कुंदन जी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 14 है इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 है, 14 यहाँ पे। हाँ चलो एक सेकंड, सितंबर अक्टूबर जून, 14 के बाद क्या आना चाहिए कमेंट में आप लोग बताओ। बहुत अच्छे, यानी 14 लिखा हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 14 की जगह आगे क्या होना चाहिए कमेंट में बताएंगे। बहुत अच्छे चंदन या फिर सब लोग बताएंगे, ठीक है। नहीं हमने कुछ नहीं सोचा, निशी पांडे, हमने नहीं सोचा कि आप चले गए। अच्छा ये बात है, रैंकिंग की बात हो रही है ना, निशी पांडे रैंकिंग की बात कर रही है क्योंकि प्लस में ये आएंगी, इनको रैंकिंग में नहीं रखना। हाँ बिल्कुल, नारी शक्ति नहीं रहेगी, नारी शक्ति एकीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप सिर्फ वहां पे कौन दिखेगा, बब्बर शेर लोग दिखेंगे वहां पे, शेर दहाड़ते हुए दिखेंगे कल की रैंक में, ये ध्यान रखना, ठीक है। कल की रैंकिंग में बब्बर शेर दहाड़ते हुए मिलेंगे, नारी शक्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुन लो निशी पांडे, समझे। कल देखना शेर दहाड़ेंगे, हमारे जो शेर हैं सब ये दहाड़ेंगे, नारी शक्ति नहीं चलने वाली। अभी तक नारी शक्ति टॉप पे रही है ना, अब नहीं रहने वाली, 2 दिन से तो आप नजारा देख ही रहे हो, नारी शक्ति कितना पीछे है, कितना पीछे है ना। चलो कल देखते हैं, कल ये लोग और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना स्टूडेंट हैं, इनको भी आप इनसे भी बात कर लीजिए, ठीक है। इनसे टाई अप करिए, जो आपकी नारी शक्ति है यूट्यूब पे, जितने भी गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स पढ़ रही हैं इस टाइम पे, तो भैया सपोर्ट करो नारी शक्ति का, क्योंकि नारी शक्ति पीछे जा रही है मेरी क्लास में, सिर्फ बॉयज आ रहे हैं आगे, बॉयज बॉयज शक्ति आगे आ रही ना। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लाइक करिए भाई, लाइक करिए, लाइक करिए, बिल्कुल लाइक करिए भाई, सभी लोग लाइक करिएगा, सबका बिल्कुल नाम बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल 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 भैया यसीन जी, सब लोग लाइक करेंगे, यस यस करेंगे, मैं सबका नाम जान लूंगा, बिल्कुल जानूंगा। प्रिया कुमारी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा प्रिया, क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये बात यह है कि प्लस पे जो हमारी क्लासें होती है यानी अनअकैडमी पे, आप प्लस नहीं होगा, आप लोग जुड़ सकते हो सब लोग फ्री में, ठीक है, फ्री में सब लोग जुड़ सकते हो। हाँ सुनो मैं बता दूं प्रिया आपको, सब लोग फ्री पे जुड़ सकते हो, कल की क्लास जो मेरी होने वाली है 1-1 बजे होगी, आप लोग अनअकैडमी को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। सबसे पहले अनअकैडमी को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद रेलवे कैटेगरी को चूज करोगे, रेलवे कैटेगरी चूज करने के बाद हरिहर प्रताप नाम से सर्च करोगे मुझे, ठीक है। हरिहर प्रताप से ना सर्च करो, आप लोग सीधा जा सकते हो स्पेशल क्लास में, जो आपकी अपकमिंग क्लास दिखा रही हूँ उनमें देख लेना टाइम, अपकमिंग में मेरा नाम कहाँ पे, हरिहर प्रताप नाम से आपको दिख जाएगा, मेरा टाइम भी दिख जाएगा, मेरा कौन सा क्लास है, कल कितने बजे कौन कौन क्लास है, सब दिख जाएगा। और इससे और बेटर तरीके से देखने के लिए मेरी बायोडाटा और भी जानना है तो मेरी प्रोफाइल पे आइए, अनअकैडमी पे एजुकेटर वाली लिस्ट पे, ठीक है। हाँ वहाँ पे आइए, वहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग मेरे बारे में और भी, कब क्लास कैसे कौन सी होती है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको मैं क्लास में बता दूंगा, वहाँ कमेंट का सिलसिला डायरेक्ट होता है, वहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। कैसे आपको लिंक वगैरह सब टेलीग्राम का दे दिया जाएगा, उसमें ग्रुप में ऐड हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ कल देखना, कल देखेंगे प्रिया कुमारी, आप आज कमेंट कर रहे हो लेकिन कल देखेंगे, भूल जाओगे, सो जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। सरिता देवी मीना बड़ी गलत बात है, अब आए हो ना। चलो इसका क्वेश्चन बताइए, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर 16, जुलाई 4, जनवरी 23, मई 1, या फिर बताइए फटाफट, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर 16, जुलाई 4, या फिर जनवरी 23, मई 1। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सितंबर 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। लाइक कर दिए, हाँ बिल्कुल, शेष कुमार यादव जी लाइक कर दिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल।
हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? हाँ जी, सबने हाँ बिल्कुल प्रिया जी, हरिहर प्रताप, हरिहर प्रताप आप कमेंट में आप वो हरिहर प्रताप सर्च कर सकते हो अनअकैडमी पे, ठीक है? टॉप में मिल जाऊंगा, टॉप 10 रैंकिंग में हूँ मैं वहाँ पे अनअकैडमी पे, देख लेना आप मुझे, ठीक है? टॉप 10 रैंकिंग में मैं मिल जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया था? भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। फटाफट आंसर, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ऑप्शन 4 आंसर एक, ऑप्शन अनेक आंसर एक। ध्यान रखते हुए आंसर को क्लिक कर देना, क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि पोल में नहीं कमेंट में करना, पोल तो आपको अनअकैडमी पे मिलेगी, ठीक है? वहां पे पोल मिलेगी जिससे कि रैंक शेयर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी टॉप 10 रैंक में कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया, वहां पे शेयर होती है, ठीक है? चलो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला सी ऑप्शन, यानी 31 अक्टूबर इज द राइट आंसर। भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सी ऑप्शन, 31 अक्टूबर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा UNGA ने 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, या फिर विश्व डेंगू दिवस, या फिर विश्व कैंसर दिवस, या फिर विश्व पोलियो दिवस? फटाफट से, यानी कि 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा UNGA 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, या फिर विश्व डेंगू दिवस, या फिर विश्व कैंसर दिवस, या फिर विश्व पोलियो दिवस? ऑप्शन 4 आंसर एक, ऑप्शन अनेक आंसर एक, क्वेश्चन एक आंसर एक, ठीक है? ये चीज करते हुए चलना है आपको आगे आगे, इसका आंसर होगा यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस इज द राइट आंसर, ठीक है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, यानी 24 दिसंबर 2015, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है? 24 दिसंबर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है, विश्व एड्स दिवस दिवस हर साल कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? रही बात एड्स की, तो एड्स का फुल फॉर्म आपको कमेंट में कर देना है, यानी AIDS का फुल फॉर्म बताना है सबको, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिंदा सांप छोड़ रहे हो वसीम खान, यूट्यूब पे भी जिंदा सांप छोड़ रहे हो आप, हाँ अनअकैडमी पे तो छोड़ दे भैया, यहाँ पे भी छोड़ रहे हो क्यों? यहाँ पे डर के भाग जाएंगे बच्चे हैं जो, ये सब भाग जाएंगे, स्टूडेंट जितना भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ है सब भाग जाएगा, सबका सब भाग जाएगा, समझ लो सब भाग जाएगा, समझते हो कुछ कि नहीं? चल नेक्स्ट, इसका हम बता दें आप लोगों को आंसर क्या होने वाला, एड्स का आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में, इंतजार रहेगा, ठीक है? चलो रही बात आपके सामने, ऑप्शन ए होगा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर इज द राइट आंसर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर इज द राइट आंसर। रही बात क्वेश्चन नंबर 13, ये सिर्फ टॉपिक का है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो चुके हैं, 100 से ज्यादा हो चुके हैं, 150 को पार कर गया, और क्वेश्चन का सिलसिला आपका 13 नंबर दिख रहा है कहाँ से, तो आपको पता होगा किस टॉपिक के रिलेटेड ये क्वेश्चन चल रहा है। शेष कुमार बता रहे हैं, अरविंद विद्यार्थी बता रहे हैं, वेरी गुड, इन दोनों ने किया है आंसर वेरी गुड, दो लोगों ने सिर्फ ओनली 2% ने आंसर सही किया है, बाकी के सब गोल मटोल गोला मोला हो गए हैं, ठीक है? सब लोग गोला मोला हो गए ना, 10:35 हो गया, एडीसी पांडे अलार्म का काम कर रही है, 10:35 बता रही है, हो चुका है, मैंने 10 बजे का बोला था, अब हो गए हैं 10:35, क्यों निशी पांडे क्यों? 10 बजे तक का क्लास था ना, 9 से 10 तक का, लेकिन आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, इसलिए क्लास आगे चल रहा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? ये आप लोगों का प्यार है, सिर्फ ओनली प्यार आपका है, आप लोगों का सबका प्यार है, जो मुझे रोके हुए है, जनरेटर में इतना डीजल डाल दिया आप लोगों ने, भर दिया एकदम दबा दबा के डीजल भर दिया उसमें, डीजल इतना भर दिया है कि अब ये स्टार्ट हो चुका है, बंद होने वाले का नाम ही नहीं ले रहा, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा ये भैया, क्या करें बताओ। चलो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 25 दिसंबर, 25 दिसंबर इज द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 दिसंबर, 25 दिसंबर इज द राइट आंसर, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आ जाइए फटाफट से। चलो चलो यहाँ पे हम सुनो एक चीज करते हैं, क्वेश्चन तो नहीं करेंगे क्योंकि PDF अपलोड करना पड़ेगी, PDF जो है वो अपलोड करना पड़ेगी मुझे, क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आप नहीं करेंगे क्योंकि अब PDF अपलोड करना पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब सिर्फ आपको हम बताएंगे अपना इंट्रो, इंट्रो से रिलेटेड, जैसे आपको देखो यहाँ पे कई चीज़ें कवर हो चुकी हैं, देखो एक चीज़ तो ये रही आपके सामने, देखो दिन दिवस कवर हो गए, ठीक है? दिन और देश सब हो गए कवर, ठीक है? दिन दिवस कवर हो चुके हैं, रही बात आपके क्या क्या कवर हुए हैं ये चीज़ बता देते हैं पहले आपको, ये चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को क्या क्या कवर हो चुका है यहाँ पे, तो रही बात आपको मैं बताऊँगा भैया, जस्ट बताऊँगा, चलो ये आपका कवर हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या कवर हो चुका है भाई, नृत्य संस्कृति कवर हो चुकी है, ठीक है? नृत्य संस्कृति कवर हो चुकी है, ठीक है? नृत्य संस्कृति भी कवर हो चुकी है आपकी, ठीक है?
ये सिर्फ डेमो था, डेमो था, पूरी मूवी देखनी है आप लोग आइए अनअकैडमी पे, और मैं यहाँ पे भी आपको मूवी दिखाता रहूंगा यूट्यूब पे भी, ठीक है। पुस्तकें कवर हो गई, ऑथर कवर हो गए, ठीक है, ये डेमो के रूप में सब कवर करवा दिया मैंने, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। संगीत, संगीतमय दुनिया, पूरी संगीतमय दुनिया हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, संगीतमय दुनिया भी हो चुकी है। और रही बात आपको मैं और बता दूँ, यहाँ पे और भी बता दूँ मैं, सिर्फ डटे रहना है मैदान में, बढ़ते रहना, कदम से कदम बढ़ाते रहो, चलते रहो साथ में, ठीक है, साथ देते रहिए, मैं भी आपका साथ देता रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा, सब कुछ जारी रहेगा, ठीक है, एकदम से बढ़िया से करते रहेंगे आप लोग स्टडी, स्टडी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है उसको डिस्कस करते रहिए हमारे साथ, मैं आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है सबको डिस्कस करूंगा मिलके, ठीक है, मिलके करेंगे डिस्कस। और रही बात आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, वहाँ पे आइए आप, आइएगा वहाँ पे, और वहाँ पे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, हालांकि ठीक है। प्लस कल स्पेशल क्लास भाई सब लोग फ्री क्लास होगी, ठीक है, फ्री क्लास होगी आपको, देखो रैंकिंग मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैं रैंकिंग आपको ऐसे दिखेगा एजुकेटर वाला लिस्ट, और जो मैं देखो आपको कहाँ दिख रहा हूँ, किस नंबर पर दिख रहा हूँ आप लोग बता देना, बिमलेश यादव, दीपक सिंह, समर समर प्रताप सिंह और विकास कुमार पाठक, एंड मेरा नाम आपको दिख रहा होगा हरिहर प्रताप, ठीक है, हरिहर प्रताप दिख रहा होगा मेरा नाम आपको यहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है, किस नंबर पे है, तो वो बता देंगे आप लोग कमेंट करके किस नंबर पे, ठीक है, सब लोग बताएंगे। चलो बाकी का मैं बता दूँ आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक कौन से कवर हो चुके हैं, यानी कि ये रहा परंपरागत समान ज्ञान, ट्रेडिशनल कॉमन सेंस, जिससे क्वेश्चन कई बनते हैं, कई बार बनते हैं, यानी कि सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है, सब कुछ आपको पता होगा। और रही बात इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना सबको, ठीक है। बाकी का मिलते हैं बाद में, फिर आपसे सिलसिला जारी रहेगा इस चीज़ का, ठीक है, सिलसिला जारी रहेगा बिल्कुल, और सबसे मिलते रहेंगे, ठीक है, सबसे मिलते रहेंगे, ठीक है, फिर कामयाबी आपकी राह देख रही है, कामयाबी के कामयाबी कामयाब होंगे आप लोग, ठीक है, बराबर सिलसिला जारी रहेगा। और हम आपसे कल मिलेंगे स्पेशल क्लास में, कैसे मिलेंगे वो भी मैंने पूरा बता दिया तरीका, कैसे मिलना है आपको, ठीक है, कैसे मिलना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे मिलना है सब कुछ मैंने बता दिया ऑलरेडी। और अनअकैडमी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग वो चीज़ सब पता है, ठीक है, सर्च करके आप लोग आ जाएंगे स्पेशल क्लास का, देख लेंगे टाइम मेरा कितना है क्या नहीं है, सब लोग को लिंक भी देखो हो सकता है मिल सकता है इसमें, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। चलो बाकी का मिलते हैं, टाटा बाय बाय सभी को, टेक केयर है, अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा, और आपका 2020 है वो बड़ा अच्छा से गुजरे, और आए जो आपका कामयाबी लेके आए आपके लिए, कुछ नई राह लेके आए, जो 2020 है वो आपका, मैं कामना करता हूँ कि भाई आपके लिए 2020 है, हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से मनाइए और एक नई खुशियाँ लाइए, ठीक है, इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इस प्लेस यानी यूट्यूब पे, और कल मिलेंगे आपसे, मुलाकात होगी कल आपसे, मुलाकात होगी, हाँ बिल्कुल, लाइक कर दो यार, 70 लाइक हो चुके हैं भाई, हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा सभी लोग, फिर से कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, जिसने कर दिया है वो नहीं करेंगे, जिसने नहीं किया है वो लोग कर दें, ठीक है। हाँ क्या बोल रही हूँ प्रिया, मैं समझा नहीं क्या करें, फिर से करवा दें, क्या करवा दें प्रिया, मैं समझा नहीं, हाँ बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। कुंदन जी कैसा रहा मेरा, आपको कैसा सेशन लगा, ये यूट्यूब सेशन था कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे सब लोग, कैसा रहा मेरा यूट्यूब सेशन इसके बारे में कमेंट करके सब लोग बताएंगे, ठीक है। सबको शुभ शुभ रात्रि एंड गुड नाइट है सबको, अच्छी दिशा में जाइए, कभी भी इधर उधर मत भटकिए, किसी से कंपेरिजन ना करिए, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगी कि मैं आप अनअकैडमी पे आइए, मैं एक अच्छे से क्लास को डिस्कस करने वाला हूँ अनअकैडमी पे, यानी मोटिवेशन क्लास रखूंगा पहले 10 मिनट, फिर उसके बाद क्लास का सिलसिला जारी हुआ करेगा आप नेक्स्ट टाइम से, यानी पहले मोटिवेशन फिर क्लास स्टार्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आप जो क्लास मेरी होने वाली है अनअकैडमी प्लस पे जो कोर्स लॉन्च होगा नेक्स्ट जनवरी में, तो उसमें मैं सिलसिला जो है वो एक अलग अंदाज में 5-10 मिनट तक पहले मोटिवेशन क्लास, फिर उसके बाद होगा आपका क्लास स्टार्ट, ठीक है। हाँ भैया कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, अब देखो कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं निशी पांडे, अब देखो कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पे ठिकाना है ये नहीं पता अभी। बहरहाल फीडबैक दे दो सभी लोग, फीडबैक दे दो, अभी काफ़ी लोग डटे हुए हैं, सब लोग फीडबैक दे के जाएंगे, जितने लोग अभी हैं क्लास में इतने लोग तो दे ही रहे भाई, कैसा लगा क्लास, गुड लगा है या फिर आपको कैसा लगा वो आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी का कल स्पेशल क्लास से आपसे मिलते हैं, वहाँ पे रूबरू होंगे, एक वहाँ पे जो नज़ारा होगा, एक बार मेरी बात पे विश्वास करके आप लोग आ सकते हो, ठीक है। वहाँ का जो नज़ारा है बहुत शानदार नज़ारा होने वाला है, यानी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आइए, स्पेशल लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर लगता है आपको कि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, फिर मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ एक अच्छी राह दिखाऊंगा, ठीक है, राह अच्छी राह की ओर अग्रसर करूंगा, ना कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले ही लो, लेकिन आपको बेस्ट लगे तो अच्छा है, बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, मैं तो बोलूँगा अच्छा है, और आपको फिर बेस्ट लगता है फिर मुझे बताइए, ठीक है, रिस्पॉन्स बताइए जरूर, ठीक है।
बिल्कुल, थैंक यू कुंदन जी, थैंक यू। धुआं धुआं हो गए शेष कुमार, धुआं धुआं, वेरी गुड, थैंक यू। एंड सबको थैंक यू है, ठीक है। जो फीडबैक दे रहे हैं उनको भी थैंक यू है, जो नहीं दे रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू, ठीक है। उनको भाई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी है, ठीक है, जो नहीं दे रहे हैं फीडबैक कैसा लगा सेशन, वो चीज़ का फीडबैक नहीं दे रहे हैं जो लोग, उनको भाई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से लेते जाओ, ठीक है, मेरी तरफ से लेते जाओ। रही बात, आपको फिर मिलते हैं एक बार, नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ, यानी कि एक एनर्जेटिक तरीके से और नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को गुड नाइट है। और हमारी स्पेशल क्लास को कल ज्वाइन करिए, मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोगों ने सी ए बी वाला वीडियो नहीं देखा है, सी ए बी का देख लो, और आपने आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं देखा है तो जैन धर्म बौद्ध धर्म देख लो, यानी आधे घंटे में सब कवर कराया है मैंने उसमें। सी ए बी का जरूर 58 मिनट का है, उसको जरूर देखेंगे, ठीक है।